ओके, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रहा था एक्चुअली। राइट नाउ मोर देन 380 स्टूडेंट्स आर विथ मी लाइव। आई होप आपने सबने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जो 3 पेज के इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली 2 पेज के इंस्ट्रक्शंस थे, बाकी तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया, क्योंकि सभी बच्चे ये पूछते कि सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। सो आई थॉट कि ये इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओके, ग्रेट। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। ये जर्नी होगी पूरी हमारी, 20 टॉपिक्स की जर्नी होगी। आई कांट से राइट नाउ कि कितने दिन हम ये सेशन लेंगे। मेरा कोशिश होगा कि 20 से 22 डेज में हम पूरे सेशंस को कवर अप कर लें, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये सेशंस दिए हैं। ठीक है, एक बात आप भूल रहे हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद भी आप एक बात भूल रहे हो कि फालतू का चैट नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल चैट नहीं करना है। अपने को काम की बात सुननी है और आपको मेन बस चैट उसी टाइम पे करना है जिस टाइम पे आपको कोई डाउट मुझसे पूछना है। सो मैं भी वही टाइम पे आपका चैट देखूंगा और एंटरटेन करूंगा आपके क्वेरीज को, अदरवाइज मैं शायद जवाब ना दूं। तो ये बात आप प्लीज भूलिए मत। मैंने इंस्ट्रक्शंस जानबूझ के आपको सबको शुरू में दे दिए थे कि ताकि आप इन सब चीज़ों को भूलो ना और पहले से ही आपके सामने सब चीज़ें हों। ठीक है गाइस, पहला दिन है, आज का पहला क्लास है, तो थोड़ा सा आज मुझे 5 से 10 मिनट आपको पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ाने में लग गए, बट अगली क्लास से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट हम शुरू करेंगे क्लासेस को। स्टिल मैं फिर से 2 से 3 चीज़ें मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो चार्ट रिविजन कहाँ से होने वाला है? चार्ट रिविजन मेरे चार्ट बुक से होने वाला है, जो चार्ट बुक मैंने पब्लिश करवाया है, प्रिंट करवाया है, आप वो चार्ट बुक परचेज कर सकते हो। राइट, दूसरा किसी ऐसी जगह पे जाके ये लेक्चर देखिए जहां पर बिल्कुल शांति हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ताकि आपका जितना भी टाइम हम देने वाले हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वॉट एवर जितना भी हम टाइम देने वाले हैं, वो टाइम आपका इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। आई होप एग्जाम्स 29 जुलाई को शायद ना हो, जितना लग रहा है सोच के कि नहीं होंगे, पर इसके रिगार्डिंग मुझसे बात मत करना कि सर आपको क्या लगता है एग्जाम होंगे कि नहीं। अगर 29 जुलाई तक एग्जाम्स नहीं हुए तो मैं बल्कि ये चार्ट रिविजन्स को थोड़ा सा और ज़्यादा खींचूंगा, थोड़ा सा और डिटेल में खींचूंगा। पर अगर 29 जुलाई का फाइनल हो गया तो फिर थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ेगा और फिर मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि मैं 20 दिन में किसी भी तरीके से कवर अप कर लूँ। पर अगर एग्जाम्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं, 29 जुलाई को नहीं होते, तो मैं खुद चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में और डिटेल में इसको खींचूं, फिर थोड़े से नंबर ऑफ डेज ज़्यादा भी लग जाए तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, सारी के सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। लेक्चर के शुरू में आपके पास इंस्ट्रक्शंस थे, तो अब बच्चों बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिक्कत के हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके पास भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक नहीं है, वो स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैंने इंस्ट्रक्शन सब दे दिए थे, लिखे हुए इंस्ट्रक्शन है, उनका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस। सबसे पहले हम ये इंड एस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस इंड एस का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंड एस लेने का रीजन ये है कि जो बाकी इंड एस होते हैं हमारे, असेट रिलेटेड इंड एस, लाइबिलिटीज रिलेटेड इंड एस, रेवेन्यू बेस्ड इंड एस, लीज वाला इंड एस, इंड एस 116, मैक्सिमम इंड एस में आप देखोगे आपको इंड एस 12 आप लगा सकते हो। आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस, मतलब ये वाले इंड एस 12 के प्रोविजंस आप लगा सकते हो। डीटीए कैसे क्रिएट करना है, डीटीएल कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारे इंड एस में इसका रेलेवेंस होगा, इसीलिए हम सबसे पहले यही कर रहे हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ये आप अपने रिवीजन में सबसे पहले रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। गाइस बिल्कुल बेसिक से बात करना शुरू कर रहे हैं अपन, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस की। कोशिश करके अगर आपको लगता है कि चैट्स देखकर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप चैट को डिसेबल कर देना ताकि आप प्रॉपरली मुझे सुन सको। ठीक है, चलिए बच्चों, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस को पढ़ने के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन पोर्शन समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या डेफिनेशन है? आप जानते हो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
वो हमारा प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम कभी भी अगर वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो आप हमेशा मानना कि दिस इज पीबीटी एज पर पीएनएल। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो अपना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, डिवीजन 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलता है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। एक्चुअली इनकम्स दो टाइप की हो सकती हैं। एक होती है आपकी अकाउंटिंग इनकम, जो आप खुद निकालते हो अपने पीएनएल से, और दूसरी इनकम होती है आपकी टैक्सेबल इनकम। अब ये दूसरी टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को लगाने के बाद आपको मिलती है। मतलब जब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस लगाते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, डीटी आपने पढ़ा होगा इंटर में और फाइनल में। तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अप्लाई करने पर जो भी हमारा टैक्सेबल इनकम निकलता है, पीजीबीपी में जो भी प्रोविजंस को लगाने पर हमारा जो टैक्सेबल इनकम निकलता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, इनकम एज पर द टैक्स लॉ। तो इनकम होती है दो टाइप की, ठीक है ना? एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। दूसरा, अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये जो इंड एएस है, इंड एएस 12, ये इंड एएस 12 बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करता है। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है? ये इंड एएस 12 किसको फॉलो करता है? बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करता है। मेरा कहने का मतलब ये इनकम अप्रोच को फॉलो नहीं करता है, ये इनकम अप्रोच को फॉलो नहीं करता, बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करता है। सर मतलब एक्चुअली डीटीए और डीटीएल निकालने के लिए आपके पास हमेशा दो अप्रोच होती है। अगर आपने अच्छे से आर्टिकलशिप की होगी, अगर आपने अपने बॉस से सीखा होगा डीटी डीटीएल कैसे निकालते, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि दो तरीके होते हैं। एक तो इनकम्स को कंपेयर करके, आपकी इनकम कितनी है या आपने कोई एक्सपेंस पीएनएल में डाला है, वो एक्सपेंस अलाउड है कि डिसअलाउड है। दूसरा तरीका होता है बैलेंस शीट अप्रोच। इंड एएस 12 ऑलवेज फॉलो बैलेंस शीट अप्रोच, एंड बिकॉज इट फॉलोज बैलेंस शीट अप्रोच, हमें दो चीजें चाहिए, हमेशा हमें दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें चाहिए? पहली चीज चाहिए हमें असेट लाइबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट मीन्स बुक वैल्यू। नाउ व्हाई आई एम सेइंग असेट लाइबिलिटी? बिकॉज इट फॉलोज बैलेंस शीट अप्रोच। अंडरस्टूड ऑर नॉट? सो कैरिंग अमाउंट ऑफ assets and liabilities मतलब book value of assets and liabilities, and why I am saying assets and liabilities, because Ind AS 12 follows balance sheet approach, it doesn't follows income approach। दूसरा, हमें चाहिए tax base। अब सर ये tax base क्या होता है? ये एक नया term है Ind AS 12 में। tax base का मतलब कि जो asset, जो liability आपके balance sheet में दिख रही है, जिसकी book value आपने निकाली है, उसी asset की value as per income tax कितनी होनी चाहिए? क्या सेम होनी चाहिए? कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट है तो वो जो डिफरेंट वैल्यू होगी वही होगी टैक्स बेस। एक एग्जांपल से चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिशिएट किया आपने 10% के हिसाब से, जबकि इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% का। तो बताइए कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कुछ और होगी, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में आपके असेट की वैल्यू कुछ और होगी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज थी कैरिंग अमाउंट, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरी चीज होती है टैक्स बेस, मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसी असेट और उसी लायबिलिटी की क्या वैल्यू है। वैल्यू सेम भी हो सकती है, कैरिंग अमाउंट के बराबर भी हो सकती है, और वैल्यू डिफर भी कर सकती है। अगर वैल्यू डिफर करती है तो ही कॉन्सेप्ट आता है डीटीए और डीटीएल का। बट अगर वैल्यू सेम होती है, बुक वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी और कैरिंग बुक वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी मतलब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ऑफ असेट लायबिलिटी, अगर दोनों सेम होते तो ऐसे केस में कोई डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम है। इनकम टैक्स भी मुझे वही वैल्यू दे रहा है और मैंने भी अपनी बैलेंस शीट में वही वैल्यू लिखी है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंटली, मैं बच्चों को इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूंगा कि बच्चों चैट करके आप अपना मुझे आंसर मत दीजिए, आप कोशिश करिए कि आप मुझे सुने। चैट करके आप ये मत बताइए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा बाकी लोगों को, नहीं तो डिस्टर्ब करता है। तो क्योंकि इंड एएस 12 बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करता है, तो आपको दो चीजें चाहिए, असेट्स लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट चाहिए, असेट लायबिलिटी का टैक्स बेस चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टेंपरेरी डिफरेंसेस। टेंपरेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं? अब जब भी आपके कैरिंग अमाउंट और आपके टैक्स बेस डिफर कर जाते हैं, डिफर कर जाते हैं मतलब दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, दोनों की वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं, तब उन डिफरेंसेस को कहा जाता है टेंपरेरी डिफरेंसेस। क्या कहा जाता है? टेंपरेरी डिफरेंस। सर हम इनको टेंपरेरी डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? टेंपरेरी का मतलब क्या है? कि कुछ टाइम के लिए डिफरेंस हुआ है। कहने का मतलब यह कि ये डिफरेंस, टेंपरेरी डिफरेंस मतलब ऐसे डिफरेंस जो करंट ईयर में वो डिफरेंस तो अराइज हुआ है, बट लेटर ईयर्स में मतलब फ्यूचर पीरियड में वो डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा।
फ्यूचर ईयर्स में अगर वो रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस अगर आज एक डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, बट आगे चल के वो डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा फ्यूचर पीरियड में, तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट हो, क्योंकि मैंने आज टैक्स ज्यादा पे किया, पर आगे चल के वही रिकवरी मेरी फ्यूचर में होगी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरा डिफरेंस रिवर्स हो गया। ऐसा आमतौर पर कई सारे आइटम्स के साथ होता है, ठीक है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की हमने बात की, तो प्लांट एंड मशीनरी में 10 लाख रुपए की लेके आया, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 1 लाख रुपए को डेप्रिशिएट किया, 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट किया। मेरी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी की कैरिंग अमाउंट कितनी बैठी ईयर एंड पे? 9 लाख रुपए। इनकम टैक्स ने मुझे 20% का डिडक्शन अलाउ किया, मतलब 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ किया। इसका मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग असेट की WDV कितनी बैठी ईयर एंड पे? 8 लाख रुपए। अब यहां पर टैक्स बेस कितना है? 8 लाख रुपीस। और यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना है? 9 लाख रुपीस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस बाय 1 लाख रुपीस। अब ये डिफरेंस क्या हमेशा रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, इनकम टैक्स ने मुझे ज्यादा दिया, ठीक है ना। इनकम टैक्स थोड़ा सा रफ्तार के साथ भाग रहा है, कोई बात नहीं। आगे चल के आगे अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन तो ओवरऑल 10 लाख की एसेट पर मिलेगा, तो आगे चल के इनकम टैक्स में मुझे बल्कि डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम मिलेगा, और फ्यूचर में मुझे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा चार्ज करूंगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसे केस में क्या हुआ, करंट ईयर में मुझे क्योंकि इनकम टैक्स ने ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ किया, तो मेरा टैक्सेबल इनकम कम हो गया होगा, तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ा होगा। पर मुझे, मैं जानता हूं कि मुझे आज तो टैक्स कम पे करना है, कम मैंने पे किया, बट ये कोई मुझे बेनिफिट एक्चुअल सेंस में नहीं है। मैं जानता हूं कि फ्यूचर में जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, उस टाइम पे तो इनकम टैक्स मुझे डेप्रिसिएशन देगा ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स तो अभी ज्यादा दे रहा है, तो उस टाइम पे मेरा जो टैक्सेबल इनकम होगा वो ज्यादा होगा, वो हायर होगा। ऐसे केस में ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा फ्यूचर में। तो इट इज द रीजन कि आज जो मुझे टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, ये एक टेम्पररी बेनिफिट है जो आगे चल के रिवर्स होगा, एंड हेंस वी क्रिएट DTL टुडे बिकॉज इन फ्यूचर वी हैव टू पे द टैक्स। एंड सेम इन केस ऑफ DTA, जो अगर उल्टा हो जाए, तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए टेम्पररी डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस किसका बेटा? बैलेंस शीट अप्रोच, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज का। इनकम्स का डिफरेंसेस नहीं लेना है आपको, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम जो हमने ऊपर पढ़ा था उनका डिफरेंस नहीं लेना है आपको। डिफरेंस लेना है असेट्स लाइबिलिटीज के, कैरिंग एसेट्स का, कैरिंग अमाउंट का और टैक्स बेस का। अच्छा, अब जो ये टेम्पररी डिफरेंस आया, ये टेम्पररी डिफरेंस दो टाइप का हो सकता है, टैक्सेबल और डिडक्टेबल। ये टेम्पररी डिफरेंसेस दो टाइप का हो सकता है, ये टेम्पररी डिफरेंस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, एक होता है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर ये टैक्सेबल और डिडक्टेबल मतलब? बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग है, टैक्सेबल मतलब फ्यूचर में टैक्स लगेगा, टैक्सेबल फ्यूचर में टैक्स लगेगा, टैक्सेबल डिफरेंस, ठीक है ना। आपको ऐसा ही सोचना है, फॉर्मूले से जाओगे कि भाई करंट कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, या टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट, माइनस में आ गया तो ये करेंगे, प्लस में आ गया तो ये करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अपनी मन की भावनाओं को समझो, फ्यूचर में क्या क्या फील आ रहा है, कि फ्यूचर में ज्यादा की ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी होगी, हाँ, तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और फ्यूचर में आपको डिडक्शंस मिलेंगे, फ्यूचर में आपको डिडक्शंस मिलेंगे मतलब फ्यूचर में आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो इट इज कॉल्ड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अगर है, मतलब फ्यूचर में टैक्स लगेगा, तो आज ही तुम्हें लाइबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, इट इज कॉल्ड DTL। तो टैक्सेबल डिफरेंसेस से तुम्हारा क्या बनता है? DTL बनता है। जबकि तुम्हें फीलिंग आ रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें डिडक्शंस मिलेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तो इट इज DTA, इट विल अराइज DTA। तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस से DTA बनता है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं? अच्छा सर, इंपेयरमेंट लॉसेस अलाउड है टैक्स में? मैं आऊंगा उस पर, इंपेयरमेंट लॉसेस पे भी मैं आऊंगा कि वो अलाउड है कि नहीं है, अलाउड नहीं है, मैं एक अलग से एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा, वो मैं हैंड वाला टेक्निक भी याद करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं उसको BRS टेक्निक बोलता हूं, मैं आपको वो भी याद करवाऊंगा, प्लीज, सब कुछ है इधर सब कुछ है, डोंट वरी, मैं इंपेयरमेंट का याद रख रहा हूं, इंपेयरमेंट का मुझे बताना है आपको। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, P&L में आपका एक हेड होता है विच इज कॉल्ड टैक्स एक्सपेंस, which is called tax expense, ये लिखा हुआ है tax expense,
ये टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती हैं, ये टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स तो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, जो कि डेफर टैक्स मतलब जो कि टेम्पररी डिफरेंस पे लगता है। कौन सा डिफरेंस, जो कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच का डिफरेंस आता है, उसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करते हो या तो टैक्सेबल डिफरेंस होगा या तो डिडक्टेबल डिफरेंस होगा, उसके ऊपर आप जब कैलकुलेट करते हो तो डीटीए आता है या तो डीटीएल आता है। एक और टैक्स होता है विच इज कॉल्ड करंट टैक्स। ये करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द इनकम टैक्स प्रोविजन जो हम हर साल बनाते हैं। करंट टैक्स को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, इट इज इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन, करंट टैक्स को आप लिख सकते हो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो करंट टैक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। करंट टैक्स एक लाइबिलिटी होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, बेटा बताओ करंट टैक्स की एंट्री क्या होती है, करंट टैक्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या बोलोगे, करंट टैक्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, कोई मुझे बताएगा करंट असेट, करंट टैक्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। बताओ मुझे करंट टैक्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, करंट टैक्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर आपको करंट टैक्स को प्रोवाइड फॉर करना है, मतलब मैं पूछ रहा हूं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की जर्नल एंट्री, अगर आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी, तो आप क्या करोगे, हर साल आप करंट टैक्स को कैसे प्रोवाइड फॉर करते हो, कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू करंट टैक्स पेबल, करंट टैक्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू करंट टैक्स पेबल, यस पीएनएल टू करंट टैक्स पेबल। ऐसे केस में क्या होता है, मतलब जो करंट टैक्स है उसका डेबिट इफेक्ट आपके पीएनएल में जाता है और उसका क्रेडिट इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है। अब डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट तो आप समझते हो, सीए फाइनल के बच्चे हो, ठीक है। तो डेबिट इफेक्ट आप उसको ले जाते हो पीएनएल में खर्चा, और क्रेडिट इफेक्ट आपका जाता है वो बैलेंस शीट में। तो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स मैंने अभी आपको बताया कि वो डिफरेंसेस पे कैलकुलेट होता है, टेम्पररी डिफरेंसेस पे कैलकुलेट होता है। क्यों कैलकुलेट करते हैं, सीधी सीधी बात है कि अगर मुझे पता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं मेरी असेट की वैल्यू में, इनकम टैक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आज हो सकता है मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो फ्यूचर में मुझे कम पे करना पड़ेगा, या वाइज वर्सा। तो ऐसे केस में मुझे आज मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एक्चुअली व्हाई वी क्रिएट डीटीए डीटीएल, बिकॉज ऑफ कंप्लाइंग विथ मैचिंग प्रिंसिपल्स, मैचिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि हम इनकम दिखा रहे हैं, हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, हम जो करंट टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो तो टैक्सेबल इनकम पे दिखा रहे हैं, जबकि हमारे पीएनएल में अकाउंटिंग इनकम दिख रही है। तो टैक्स दिख रहा है टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग, जबकि और बाकी सारे आइटम्स दिख रहे हैं हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो ये मिसमैच हो रहा है। जब हम DTA DTL क्रिएट कर लेते हैं तो इससे मैचिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा होता है आपका डेफर टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया डेफर टैक्स, टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस। तो टैक्स एक्सपेंस, ये वापस आ रहा हूं मैं इस पॉइंट नंबर 6 पे, टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती है, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डेफर टैक्स। अब देखो इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं इस तरीके से, करंट टैक्स प्लस DTL। व्हाई आई एम एडिंग द डीटीएल, क्योंकि करंट टैक्स क्या है, करंट टैक्स आपका एक खर्चा है, आपने पीएनएल को डेबिट किया, और आपकी उसका दूसरा क्रेडिट है, उसका दूसरा इफेक्ट क्या है, ये एक लायबिलिटी है। करंट टैक्स आपका एक प्रोविजन है, एक लायबिलिटी है, तो डीटीएल भी तो आपकी एक लायबिलिटी है, आपका प्रोविजन है, डीटीएल भी तो आपकी लायबिलिटी, आपका प्रोविजन है। इसका मतलब आप डीटीएल की क्या एंट्री करते हो, आप डीटीएल की भी सेम एंट्री करते हो, आप डीटीएल की एंट्री करते हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, सेम, मतलब करंट टैक्स की एंट्री और डीटीएल की एंट्री सेम होती है, इसीलिए हम उनको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लेस क्या कर रहे हैं, डीटीए लेस कर रहे हैं, क्योंकि डीटीए मतलब एक तरीके से आपने असेट क्रिएट किया और उसका क्रेडिट इफेक्ट आपने इनकम को दे दिया, आई बात समझ में। और प्लस कर रहे हैं डीटीए रिवर्स। अब डीटीए रिवर्स को प्लस क्यों कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि भाई डीटीए को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो डीटीए जब रिवर्स होगा तो उसको उल्टा करने पर मुझे प्लस करना पड़ेगा, वैसे ही डीटीएल रिवर्स मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा टैक्स एक्सपेंस में कुल मिला के ये सारी चीजें आती हैं, ये जो मैंने डब्बा बना के अंदर डाला है, टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स आता है, डेफर टैक्स लायबिलिटी ऐड होता है, बट डेफर टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेंगे तो लेस होगा, डीटीए लेस होगा, बट डीटीए को रिवर्स करेंगे तो ऐड होगा। तो कुल मिला के आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, इतना बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर। अच्छा, तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इंड एस 12 के। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमने पूरे टैक्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक होते हैं करंट टैक्सेस और एक होते हैं डेफर टैक्सेस।
हमने अभी देखा कि टैक्स एक्सपेंस दो टाइप का होता है। टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें आती है, एक होता है करंट टैक्स, करंट टैक्स मतलब पूरे करंट ईयर का जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स बन रहा है, और एक होता है डेफर्ड टैक्स। अब सबसे पहले हम चलते हैं करंट टैक्स पे कि करंट टैक्स मतलब क्या, करंट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अब करंट टैक्स भी दो टाइप का होता है, करंट टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, करंट टैक्स असेट हो सकती है। सर लायबिलिटी हो सकती है ये तो समझ में आया, अभी अभी आपने बताया पे एंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है और आपको ईयर एंड के बाद आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा, सर ये लायबिलिटी है, बात तो समझ में आई। पर सर ये करंट टैक्स असेट कैसे हो सकता है, क्यों करंट ईयर में तुम एडवांस टैक्स भी तो पे करते हो। जब तुम एडवांस टैक्स पे करते हो तो एंट्री करते हो टैक्स अकाउंट, टैक्स पेड अकाउंट डेबिट या एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जो तुम करंट ईयर का ही पहले से ही टैक्स पे करते रहते हो, एडवांस टैक्स की कुछ डेट्स होती है ना 15 जुलाई या 15 जून व्हाटएवर 15 सितंबर 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च, तो उन डेट्स पे जब तुम एडवांस टैक्स पे करते हो तो तुम्हारा वो करंट टैक्स असेट होता है। आई बात समझ में? तो करंट टैक्स भी दो टाइप का हो सकता है, एक होती है करंट टैक्स लायबिलिटी, एक होता है करंट टैक्स असेट। मेनली मेजरली करंट टैक्स लायबिलिटी में, करंट टैक्स लायबिलिटी में दो चीजें आती है मेजरली करंट टैक्स लायबिलिटी में, एक तो करंट ईयर का टैक्स, एक तो करंट ईयर का टैक्स और दूसरा प्रायर पीरियड टैक्सेस। अब बहुत ही कम बच्चे इसको करंट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ते हैं, मतलब बहुत ही कम बच्चों ने सुना होगा कि हाँ प्रायर पीरियड के टैक्सेस भी करंट टैक्स लायबिलिटी होती है। यस सर एग्जांपल दीजिए, सिंपल सी बात है, मान लीजिए करंट ईयर में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया, इनकम टैक्स का नोटिस आया चार साल पुराना, चार साल मतलब असेसमेंट ईयर 14-15 का या असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 का, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आज हम खड़े 2020 में, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया असेसमेंट ईयर 16-17 के रिगार्डिंग कि आपकी कुछ डिमांड अभी भी पेबल है, अभी तक आपने पे नहीं की। अब हमें नहीं पता था कि ये डिमांड पेबल है, बाद में हमने अपने सीए को दिखाया, लीगल एडवोकेट को दिखाया, उसने बोला यार ये तो सही है बिल्कुल, हमने टैक्स कंसल्टेंट को दिखाया, उसने बोला ये डिमांड आपकी बिल्कुल सही बैठती है, एक्चुअली देना पड़ेगा। अब वो टैक्स डिमांड कितने हजार की थी, 25,000 की टैक्स डिमांड थी, तो अब हम उसको प्रोवाइड फॉर करेंगे ना, भाई पे करना है मुझे 25,000, तो पे करने के लिए मुझे एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, क्या एंट्री पास करूंगा, पेएंडल अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन टू बैंक। तो जो ये टैक्स मैंने प्रोविजन क्रिएट किया ये क्या कौन सा वाला था, ये पिछले साल का था, पिछले के पिछले साल का था, उससे पिछले साल का था, कुल मिला के प्रायर पीरियड टैक्सेस अगर आपको पे करने होते हैं, प्रायर पीरियड टैक्सेस पेबल, यहां कर दीजिएगा पेबल, प्रायर पीरियड टैक्सेस पेबल, जो आपको प्रायर पीरियड के टैक्सेस पे करने होते हैं जो करंट ईयर में अराइज हुए, लिख देते हैं अराइज इन करंट ईयर, तो वो भी आपके करंट टैक्स लायबिलिटी में आते हैं, वो भी आपके करंट टैक्स लायबिलिटी में आते हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। दूसरा करंट टैक्स असेट। अब ये करंट टैक्स असेट्स क्या होता है, ये करंट टैक्स असेट्स क्या होता है, ये करंट टैक्स असेट्स क्या होता है, करंट टैक्स असेट्स में क्या क्या आता है, जो आप पहले से ही टैक्स पे कर चुके होते हो बाय वे ऑफ टीडीएस, आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, एडवांस टैक्स आपने पे किया। अब लास्ट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडिया में एक्चुअली नहीं होती पर इंडियस में लिखा हुआ है, क्योंकि इंडियस कहां से लिए गए, इंडियस लिए गए आईएफआरएस से, तो ये लास्ट वाली चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना कि करंट टैक्स में एक और चीज आती है, वो कौन सी चीज आती है, लॉसेस ऑफ करंट ईयर अलाउड टू बी कैरी बैकवर्ड टू गेट रिफंड। कैरी बैकवर्ड, हमारे इंडिया में कैरी बैकवर्ड का कोई रूल ही नहीं है, जबकि हमने सुना है कैरी फॉरवर्ड होता है, हम अपने लॉसेस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पर कैरी बैकवर्ड नहीं कर सकते। अब ये कैरी बैकवर्ड का क्या रूल है, कैरी बैकवर्ड का सिंपल सा रूल है, मान लीजिए लास्ट ईयर में आपके पास इनकम थी, लास्ट ईयर में आपके पास इनकम थी, तो उस इनकम पे आपने टैक्स भी पे कर दिया, उस इनकम पे आपने टैक्स पे कर दिया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? पर करंट ईयर में मान लीजिए आपके लॉसेस हैं। अब हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बोल रहा हूं, मान लीजिए ऐसा कोई प्रोविजन है इनकम टैक्स में, जो हमारे इंडिया में तो नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन है जो हमें अलाउ करता है, इनकम टैक्स का प्रोविजन अलाउ करता है कि अगर आपके पास करंट ईयर में लॉसेस हैं तो आप अपने लॉसेस को लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स से सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब आप अपने लॉसेस को कैरी बैकवर्ड कर सकते हो, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, करंट ईयर के लॉसेस को अगर आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करोगे तो ऐसे केस में आपने तो लास्ट ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया था, तो ऐसे केस में जितने के ऊपर भी आपका एक्सेस बनता है टैक्स जो आपने पे कर दिया था वो हम आपको रिफंड देंगे, मान लीजिए वो हमें रिफंड मिलेगा, तो ऐसे केस में हमें क्या हो जाएगा, रिफंड रिसीवेबल, तो रिफंड रिसीवेबल बन जाएगा आपका करंट टैक्स असेट। तो करंट टैक्स असेट में वो वाला रिफंड भी आ सकता है अगर आप कैरी बैकवर्ड के अनुसार आपको कुछ रिफंड मिल रहा होगा तो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, मेरी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अच्छा
तो दिस इज कॉल्ड करंट टैक्सेस, ये हो गए आपके करंट टैक्सेस। करंट टैक्सेस में आपके करंट टैक्स लायबिलिटी होता है, करंट टैक्स असेट होता है। करंट टैक्स असेट में आपका टीडीएस आता है, एडवांस टैक्स आता है, और रिफंड वाला जो मैंने आपको बताया कैरी बैकवर्ड वाला। और करंट टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको दो चीजें बताई, करंट ईयर की लायबिलिटी और प्रीवियस पीरियड की कोई डिमांड लायबिलिटी है विच इज स्टिल पेबल एंड विच अराइज इन द करंट ईयर, जो आप अपने पीएनएल से करते हो। आई मेरी बात समझ में? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया टैक्सेस, मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट टैक्सेस, एक होते हैं डेफर्ड टैक्सेस। तो ये पहला वाला हो गया करंट टैक्स। करंट टैक्स पर हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा, टेंशन थोड़ा बहुत और जो मेन हमें समझना वाला होगा वो काम है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? अच्छा, डेफर्ड टैक्स का करंट टैक्स हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया। करंट टैक्स में करंट टैक्स असेट, करंट टैक्स लायबिलिटी, सब खत्म। अब आते हैं डेफर टैक्स पे। अब डेफर टैक्स में भी दो चीजें, डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो अब डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी को मैंने अलग अलग ही कर दिया, मैंने ऊपर से ही उसको अलग अलग कर दिया। आप देखोगे करंट टैक्सेस में तो मैंने छोटा छोटा कर दिया भाई असेट एंड लायबिलिटी, पर करंट टैक्स डेफर टैक्स में मैंने लायबिलिटी को बिल्कुल अलग कर दिया और करंट असेट को बिल्कुल अलग कर दिया। अब से यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन शुरू हो रहे हैं, अभी तक तो हम बच्चों बच्चों की चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक तो हम बच्चों बच्चों की चीजें पढ़ रहे थे। अब हम रिपीट कर, अब हम इसको पॉइंट को पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इनमें छुपा हुआ है, डेफर टैक्स लायबिलिटीज में और डेफर टैक्स असेट्स में। अच्छा, हमें डेफर टैक्स लायबिलिटी कब बनानी चाहिए, हमें डेफर टैक्स लायबिलिटी कब बनानी चाहिए? देयर इज सिंपल आंसर इज कि जब भी टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस हो। सिंपल, जब भी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हो। अब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस तो बहुत सारे होते होंगे, हाँ बिल्कुल होते होंगे, तो हमें क्या हमेशा डीटीएल बनाना चाहिए? द आंसर इज येस, एक्सेप्ट टू सिचुएशन। डीटीएल हमेशा बनेगा, हर केस में बनेगा, सिर्फ दो सिचुएशंस को छोड़कर। उन दो सिचुएशंस में कभी भी डीटीएल नहीं बनेगा। अब ये दो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन में किसी ना किसी पॉइंट में डाल दिया जाए। डीटीएल हर बार बनेगा, हमेशा बनेगा, सिर्फ दो सिचुएशंस को छोड़कर। क्या लिखा है? ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, बिल्कुल सही बात, हम हमेशा डिटेल बनाएंगे ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। एक्सेप्ट क्या? पहला, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक बात याद रखना, गुडविल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में रिकॉर्ड होती है, अदरवाइज गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस बात को गांठ बांध के रख लो कि गुडविल हमेशा कहां से आती है। यह बात तुम्हें पता तो होगी, बट इस बात को कभी तुमने रियलाइज नहीं किया होगा। तो गुडविल हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन से ही जनरेट होगी, अदरवाइज गुडविल कभी जिंदगी में कहीं से जनरेट नहीं होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो हम कभी वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो गुडविल जब तुम रिकॉर्ड करते हो, जब तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल को रिकॉर्ड करते हो, अब मैं मान के चल रहा हूं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में तुमने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। सर स्पीड 1.5 है, प्लीज नॉट इन स्पीड 2x। क्या मैं ज्यादा स्पीड में हो रहा है? क्या स्पीड ज्यादा चल रहा है? क्या मुझे तो अभी तक नहीं लगा ज्यादा स्पीड। सुमन इज सेइंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, आई थिंक। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं। तो जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में या कंसोलिडेशन में गुडविल को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में, तो आप जब अपनी बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड करते हो, वो आपकी गुडविल की बुक वैल्यू होती है। अब देखो, वापस जाओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि हम बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं किसी भी डीटीए डीटीएल को निकालने के लिए। तो आपको चाहिए गुडविल का बुक वैल्यू और गुडविल का टैक्स बेस। अब गुडविल का बुक वैल्यू क्या होगा? जिस पे आपने गुडविल को बुक किया होगा। ये बुक वैल्यू कैसे आया होगा? ये गुडविल का बुक वैल्यू आया होगा। ये गुडविल को आपने बुक कैसे किया होगा? आपने गुडविल को कैसे बुक किया होगा? डेफिनेटली आपने गुडविल को बुक किया होगा पीसी माइनस नेट असेट, ये आपका गुडविल आया होगा। मतलब आपने जो नेट असेट रिकॉर्ड किए हैं और आपने जो पीसी पे किया है, पीसी आपका ज्यादा होगा तभी आपका गुडविल आया होगा। तो आपने गुडविल को बुक किया होगा, गुडविल को आपने डेबिट किया होगा, तो वो गुडविल आपकी बन गई बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मिल गई आपको। पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग गुडविल इज जीरो। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई गुडविल वुडविल पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला कभी जिंदगी में। आपको गुडविल पे गुडविल उस वाले उस गुडविल के ऊपर आपको कभी कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ऐसे केस में वो गुडविल का टैक्स बेस क्या बन जाएगा? जीरो।
उस गुडविल का टैक्स केस बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा इज जीरो। ठीक है, तो गुडविल का टैक्स बेस बन जाएगा जीरो और उसका कैरिंग अमाउंट कुछ ना कुछ तो है, मैंने अभी बताया पीसी माइनस नेट असेट, तो पीसी माइनस नेट असेट कुछ ना कुछ वैल्यू है और गुडविल का टैक्स बेस बन जाएगा जीरो, मतलब डिफरेंस तो आ रहा है बॉस, डिफरेंस तो बॉस आ रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? जब डिफरेंस आ रहा है तो हम डिटेल क्यों नहीं क्रिएट करें, बात को समझना, जब डिफरेंस आ रहा है तो हम डिटेल क्यों नहीं क्रिएट करें, इस बात को समझो कैसे, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं हाउ वी क्रिएट डीटीएल, इसको लिखिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, हाउ वी क्रिएट डीटीएल। मैं हमेशा बीआरएस अप्रोच बताता हूं, दो हैंड्स की अप्रोच, बीआरएस अप्रोच बताता हूं। आपने बचपन में सीए फाउंडेशन सीपीटी में 11 12th क्लास में बैंक रिको, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखा था। बीआरएस में आपको याद होगा एक होती हमारी कैश बुक और एक होती हमारी पासबुक, और दोनों के बैलेंसेस अगर डिफरेंट हैं तो हम रिकंसाइल करते हैं, यू रिमेंबर। वैसे ही जैसे आपकी कैशबुक होती है वैसे ही आपका होता है कैरिंग अमाउंट, वैसे ही आपका होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज, और जो आपकी पासबुक होती है वो होता है आपका टैक्स बेस। अब मैं पासबुक को टैक्स बेस क्यों बोलता हूं, क्योंकि पासबुक जो होती है वो बैंक के पास होती है, मतलब वो किसी आउटसाइडर के पास होती है, आउटसाइडर, तो आउटसाइडर हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ये हमारा आउटसाइडर है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। हमारा कंट्रोल किस पे, हमारा कंट्रोल है हमारे बुक्स पे, मतलब कैश बुक पे, मतलब कैरिंग अमाउंट पे, तो इस पे हमारा कंट्रोल है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी गाइस, अंडरस्टूड और नॉट। तो एक होती है आपकी कैरिंग अमाउंट, एक होती है आपकी टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट में बोल रहा हूं कैश बुक, और टैक्स बेस मतलब आपका पासबुक। अब जब भी हम बैंक रिको बनाते थे आपको याद होगा कि हम कैश बुक से शुरुआत करते थे। अब समझना बीआरएस अप्रोच कैसे होती है, डीटी रिटेल बनाने के लिए मजा आ जाएगा। आप दुनिया भर का कोई भी आइटम के ऊपर अगर आपको डीटी रिटेल बनाना हो आप आराम से बना लोगे बीआरएस अप्रोच से। एक होता है आपका कैश बुक, एक होता है पासबुक। आप कभी भी पासबुक को चेंज नहीं कर सकते, पासबुक आपके हाथ में नहीं है, आप हमेशा कैश बुक को बदल सकते हो, है ना, आप पासबुक को नहीं बदल सकते हो, पासबुक को आप थोड़ी बदलोगे, पासबुक किसके हाथ में, बैंक के हाथ में। वैसे ही आप टैक्स बेस को नहीं बदल सकते, आप हमेशा किसको एडजस्ट कर सकते हो, आप हमेशा कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल दिखाई है, या मान लीजिए आपने, आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट और प्लांट एंड मशीनरी का टैक्स बेस, प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट है 5 लाख रुपए और उसका टैक्स बेस है 4 लाख रुपए। ध्यान से देखिए, आप कभी भी टैक्स बेस को नहीं बदल सकते। एक हाथ में आपको, मैंने अपने राइट हैंड में रखा कैरिंग अमाउंट 5 लाख रुपए और मैंने अपने लेफ्ट हैंड में रखा टैक्स बेस। टैक्स बेस मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है क्योंकि टैक्स बेस मेरा कम है, मैं कभी भी टैक्स बेस को नहीं बदल सकता, मेरा टैक्स बेस वही रहेगा। मैं कैरिंग अमाउंट को बदल सकता हूं, मुझे अगर रिको करना है, रिकंसिलेशन करना है, तो मैं किसको चेंज करूंगा, मैं कैश बुक को चेंज कर सकता हूं, मैं पासबुक को चेंज नहीं कर सकता हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको कभी भी डीटी रिटेल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, आपके पास कैरिंग अमाउंट है, आपके पास कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, आपके पास टैक्स बेस है 4 लाख, आप किसको एडजस्ट कर सकते हो, कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको 4 लाख तक लाना है, आपको 5 लाख को 4 लाख तक लाना है, मतलब आपको नीचे आना है, आपको नीचे आना है, आपको नीचे आना है, मतलब आपको असेट की वैल्यू, असेट है ये प्लांट एंड मशीनरी, आपको असेट की वैल्यू को नीचे करना है, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी, इसका मतलब यहां पर डेफर टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए। अब लॉजिकली देखें कि ये सही है कि नहीं, हां सही भी है, टैक्स बेस 4 लाख, मतलब मुझे फ्यूचर में इनकम टैक्स सिर्फ 4 लाख का बेनिफिट देगा, जबकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट की वैल्यू 5 लाख दिख रही है, मतलब मैं फ्यूचर में अपनी बुक्स में 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, जबकि मुझे तो टैक्स वाला सिर्फ 4 लाख का देने वाला है, तो आगे चल के फ्यूचर में 1 लाख का डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा तो फ्यूचर में टैक्स लगेगा, अगर फ्यूचर में टैक्स लगेगा तो डीटीएल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ बीआरएस अप्रोच। इसी को अगर मैं बोलूं कि यहां पर 3 लाख रुपए है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बीआरएस अप्रोच, ये आपके 3 लाख रुपए है,
ठीक है ना, मतलब कैरिंग अमाउंट आपका 3 लाख, टैक्स बेस आपका 4 लाख। आप टैक्स बेस को कभी नहीं चेंज कर सकते हो, आप हमेशा कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक ले जाओगे, हमेशा आपको कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक ले जाना है रिको करने के लिए। तो अब आपका कैरिंग अमाउंट नीचे है 3 लाख, अब आपको ऊपर करना है, अब आपको असेट को ऊपर करना है, असेट को ऊपर करना है तो आप क्या करोगे, DTA। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज हाउ वी क्रिएट, दिस इज हाउ वी क्रिएट डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स असेट। अब मैंने इतना सब आपको क्यों बताया, वैसे ही अब आप ध्यान से देखिए, वैसे ही आप ध्यान से देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल का कुछ ना कुछ कैरिंग अमाउंट होगा, गुडविल का कैरिंग अमाउंट होगा मान लीजिए 5 लाख, जबकि गुडविल का टैक्स बेस होगा 0। क्यों? क्योंकि गुडविल मुझे इनकम टैक्स में अलाउ होगी नहीं, मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, मुझे उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं होगा। तो सोचो कैरिंग अमाउंट 5 लाख, टैक्स बेस कुछ है ही नहीं, टैक्स बेस कुछ है ही नहीं, तो मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट को मुझे क्या करना है, टैक्स बेस तक पहुंचाना है, मतलब मुझे कम करना है, मुझे कम करना है, तो मुझे गुडविल को कम करना है ताकि मैं टैक्स बेस तक पहुंचाऊं। गुडविल को कम करना है मतलब असेट कम करना, मतलब यहां पर मुझे DTL बनाना पड़ेगा। तो टेक्निकली क्या होता है, कायदे से गुडविल ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि गुडविल की कुछ वैल्यू होती है और इनकम टैक्स में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो गुडविल के ऊपर कायदे से बनना चाहिए DTL। बट Ind AS 12 ने क्या बोला, Ind AS 12 ने बोला ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल यू कैन नॉट क्रिएट DTL। आप DTL नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते DTL? आप क्यों नहीं DTL क्रिएट कर सकते? सिंपल सा रीजन, आप अगर DTL क्रिएट करोगे, सुनना ध्यान से, अगर आप DTL क्रिएट करोगे तो 2DTL होगा। डेबिट क्या करोगे? डेबिट आपको गुडविल करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सर गुडविल डेबिट क्यों करना पड़ेगा, पेंडल करेंगे ना? नहीं, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल है, ये आपकी बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल है। तो आप जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में एंट्री पास करते हो, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने सामने वाली कंपनी जिसको एक्वायर किया उसके असेट और लायबिलिटी चुराए ना आपने, चुराए मतलब आप उसके टेक ओवर किए, तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू DTL, तो जो भी डिफरेंस आता है वो कहां जाता है, गुडविल। द रीजन इज व्हेन यू क्रिएट DTL स्पेशली ऑन गुडविल इट विल इंक्रीज द गुडविल अगेन, इट विल when you have to create DTL it will again increase the goodwill। ऐसे करते 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 गुडविल बढ़ती जाएगी, ये गुडविल कभी खत्म ही नहीं होगी। this is the reason why we don't create DTL on the initial recognition of goodwill। तो याद रखना DTL on initial recognition of goodwill हमें create नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया में goodwill के ऊपर आपको इनकम टैक्स में कोई benefits नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? क्लियर आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर? दूसरा एक और रीजन है, एक और चीज है DTL। मैंने बोला DTL सब पे क्रिएट होगा सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, उनमें से गुडविल को छोड़कर और दूसरा इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ असेट लाइबिलिटी अदर देन थ्रू बिजनेस। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात नहीं चल रही है, अब नॉर्मल बात चल रही है। अदर देन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन विच नीदर अफेक्ट अकाउंटिंग इनकम नॉर अफेक्ट टैक्सेबल इनकम, इन शॉर्ट इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि हम जब बैलेंस शीट अप्रोच करते हैं, कहां बताया था, ये बैलेंस शीट अप्रोच करते हैं, तो बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब क्या होता है, असेट लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों के ऊपर जो डिफरेंस आता है वो टेम्पररी डिफरेंस आता है। कभी कभार वो डिफरेंस टेम्पररी डिफरेंस नहीं होता, वो डिफरेंस कभी कभार परमानेंट डिफरेंस आ जाता है, मतलब ऐसा डिफरेंस जो कभी जिंदगी में रिवर्स होगा ही नहीं, ऐसा डिफरेंस जो कभी जिंदगी में रिवर्स ही नहीं होगा। अगर ऐसा डिफरेंस जो कभी जिंदगी में रिवर्स नहीं होगा, उस डिफरेंस के ऊपर आप DTA DTL क्रिएट करके करोगे ही क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, DTA DTL क्रिएट करके करोगे ही क्या? सर एग्जाम्पल दीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल, डोनेशन टू अ रिलीजियस ट्रस्ट। जब आप किसी रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो आपका डिसअलाउड होता है, और वो आपका परमानेंटली डिसअलाउड होता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो डोनेशन जब आपका परमानेंटली डिसअलाउड हो जाएगा, तो आपने डोनेशन दिया, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस बुक कर लिया। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आपने डोनेशन दिया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस बुक कर लिया, पर वही डोनेशन आपको इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा और कभी अलाउ नहीं होगा, कभी अलाउ नहीं होगा। इससे आपके दोनों इनकम्स पर इफेक्ट पड़ जाएगा और हमेशा के लिए इफेक्ट पड़ेगा। इस डोनेशन
का आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। तो इन शॉर्ट आपको दो बातें याद रखनी है, पहला कि गुडविल अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर डीटीएल कभी नहीं बनेगा, और दूसरा कोई भी टाइप के अगर परमानेंट डिफरेंसेस होंगे तो उन परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर भी आपका कभी भी डीटीएल नहीं बनेगा, क्योंकि वो डीटीएल आपका कभी रिवर्स ही नहीं हो सकता, ऐसे केस में वो डेफर्ड ही नहीं है, वो परमानेंट टैक्स हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? सीएसआर, यस सीएसआर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि सीएसआर एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो उस सीएसआर एक्सपेंडिचर को आप अपने पीएनएल में भी डाल सकते हो, या फिर आपने सीएसआर में अगर आपने कोई असेट खरीदी तो आपने उसको असेट दिखा दिया, पर आपको इनकम टैक्स के अनुसार आपको उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस असेट के ऊपर आपको किसी तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता। तो ऐसे केस में आप ये बोल सकते हो कि सीएसआर एक्सपेंडिचर भी आपका परमानेंटली डिसअलाउड हो जाता है एंड यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट, इट इज कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस। तो दो चीजों को छोड़कर आपका टाइमिंग आपका डीटीएल हमेशा क्रिएट होगा। तो सर ऐसे अब बताइए, ऐसे कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जहां डीटीएल क्रिएट होगा, एरियाज वेयर वी क्रिएट डीटीएल? पहला टाइमिंग डिफरेंस, सिंपल से टाइमिंग डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन के चक्कर में, तो आप इसको एग्जांपल ले सकते हो डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी कम मिल रहा है, इनकम टैक्स ने ज्यादा दिया, फ्यूचर में आगे चल के रिवर्स हो जाएगा, इनकम टैक्स ने ज्यादा दिया तो इनकम टैक्स का फ्यूचर में खत्म हो जाएगा और हम फ्यूचर में लेते रहेंगे, तो रिवर्सल, टाइमिंग डिफरेंस। ऐसे केस में आप हमेशा डिटेल किसके थ्रू बनाओगे? पीएनएल। मैंने साइड में ब्लू कलर से पीएनएल इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला डिटेल जो टाइमिंग डिफरेंस वाला डिटेल है ये हमेशा पीएनएल के थ्रू बनेगा, ये हमेशा पीएनएल के थ्रू बनेगा। पर जो दूसरा वाला है बिजनेस कॉम्बिनेशन बीसी, असेट एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, अब मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं, गुडविल के अलावा मैंने नेट असेट्स की बात कर रहा हूं। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? गुडविल के अलावा मैं नेट असेट्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में जो नेट असेट्स आप रिकॉर्ड करते हो फेयर वैल्यू पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेट असेट को आप रिकॉर्ड करते हो फेयर वैल्यू पे, आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो वो बन गया आपके लिए कैरिंग अमाउंट। पर इनकम टैक्स में आपको ये वाली फेयर वैल्यू थोड़ी अलग होगी, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो सब्सिडरी कंपनी, मान लीजिए आपने सब्सिडरी कंपनी की असेट्स को टेक ओवर किया, आपने अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में असेट को दिखा दिया फेयर वैल्यू पे, क्या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो आपने फेयर वैल्यू दिखाई है उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो डेप्रिसिएशन असेसी वाइज मिलता है, और यहां पर असेसी रियल कौन है? सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू है, मतलब सब्सिडरी कंपनी की जो सेपरेट टैक्स बेस दिख रहा है वही होगी। तो ऐसे केस में इट मे क्रिएट टेम्परेरी डिफरेंस। अब यहां पर बच्चे बोलते हैं सर यहां पर टेम्परेरी डिफरेंस कैसे हुआ है? सर ये भी तो परमानेंट डिफरेंस हुआ, क्योंकि आपने परमानेंटली फेयर वैल्यू पे बुक कर लिया और आपने इनकम टैक्स में तो आप टैक्स बेस ले रहे हो कोई दूसरा। तो मैं यहां पर बोलता हूं बेटा आपने फेयर वैल्यू पे लिया, इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको फ्यूचर में उतना बेनिफिट होगा, मतलब फ्यूचर में तुम इस वैल्यू पे असेट को बेचोगे भी, जब असेट को बेचोगे तो तुम्हें कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो उस टाइम पे तुम्हारा टैक्स लगेगा। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसे केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में जब तुम्हारी असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू बन जाती है तुम्हारी कैरिंग अमाउंट और तुम्हारा टैक्स बेस होता है पुराना कंपनी का ही। ऐसे केस में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के ऊपर डीटीएल बनता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग टू टेक द बेनिफिट टू दैट मच एक्सटेंट बाय वे ऑफ सेल और बाय वे ऑफ यूजिंग दैट। यूज करोगे तो आगे चल के इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भरना पड़ेगा, और सेल करोगे तो आगे चल के कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो टैक्स भरना पड़ेगा, इन एनी सिचुएशन तुम्हारा टैक्स लगेगा आगे चल के। ठीक है सर, यू मीन एसएफएस ऑफ सब्सिडरी इज अ टैक्स बेस? यस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एसएफएस जो उसकी सब्सिडरी के एसएफएस में जो टैक्स का अमाउंट है वही अमाउंट उसके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सब्सिडरी का जो भी टैक्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो उसका वैल्यू आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस में डीटीए डीटीएल का क्या डिफेक्ट होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस में स्टॉक आपका अनसोल्ड स्टॉक में डीटीए डीटीएल का इफेक्ट डेफिनेटली होगा। क्या इफेक्ट होगा? मतलब सीधी सीधी बात है, आप जैसे ही स्टॉक में से प्रॉफिट को हटाओगे, किसी ने पूछा अनरियलाइज्ड केस में क्या होगा, अब मान लीजिए मैंने सब्सिडरी के स्टॉक को अपनी बुक्स में दिखाया और जब दिखाया तो मैंने बोला अरे यार इसमें तो मेरा ही प्रॉफिट शामिल है, तो मैंने प्रॉफिट कम कर दिया, तो मैंने अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में स्टॉक की वैल्यू गिरा दी, जबकि सब्सिडरी की ओरिजिनल बुक्स में स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई है और वो टैक्स बेस है क्योंकि वो ओरिजिनल बुक्स है। और मैंने अपनी बुक्स की अगर बात करें तो कैरिंग अमाउंट कम है, कैरिंग अमाउंट कम और टैक्स बेस ज्यादा, तो ऐसे केस में मुझे बढ़ाना पड़ेगा स्टॉक टैक्स बेस तक लाना पड़ेगा, तो मुझे डीटीए क्रिएट करना चाहिए। तो इन दैट केस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के केस में डीटीए क्रिएट होता है और अनरियलाइज्ड लॉस के केस में डीटीएल क्रिएट होता है।
आई बात समझ में? और वो किस तरीके से क्रिएट करते हो, ये जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला हुआ। अब तीसरा, असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड। यहां पर मैं बात करूंगा इंड एएस 16 की, यहां मैं बात करूंगा इंड एएस 16 की। अंकित कुमार, सर बिजनेस कॉम्बिनेशन में डीटी रिटेल विल बी क्रिएटेड थ्रू, यस वेरी गुड क्वेश्चन कि सर सेकंड सेकंड केस में डीटी रिटेल किसके थ्रू क्रिएट होगा। बेटा जब आप सेकंड केस में फेयर वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड करते हो तो आप जब डीटी रिटेल क्रिएट करते हो इट विल अफेक्ट योर गुडविल, इट विल बी क्रिएटेड थ्रू, इट विल बी क्रिएटेड थ्रू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मतलब जो भी आपका डीटी रिटेल बनेगा वो आपके गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा, असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इंड एएस 16। आप सब अच्छे से जानते हो कि असेट को आप अपवर्ड रिवैल्यू भी कर सकते हो, डाउनवर्ड रिवैल्यू भी कर सकते हो। पर अगर आप मान लो असेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो, अपवर्ड रिवैल्यू मतलब असेट की कैरिंग अमाउंट को आपने बढ़ा दिया, इनकम टैक्स में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। अब आप ये बोलोगे कि ये परमानेंट डिफरेंस है, नहीं, आपने वैल्यू बढ़ाई है मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग टू टेक द बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में आप जानते हो कि आप इसको अगर बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो टैक्स तो अपने आप लगेगा, मतलब ये रिवर्सल होगा आगे चल के। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप इंड एएस 16 के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट को बढ़ाते हो, कैरिंग अमाउंट बढ़ी हुई है, ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट बढ़ी हुई है और टैक्स बेस आपका कम होता है तो आपको वापस से नीचे करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी। तो ऐसे केस में डीटीएल बनेगा, डीटीएल किसके थ्रू बनेगा, ओसीआई के थ्रू। ओसीआई के थ्रू क्यों, क्योंकि जब आप असेट की वैल्यू बढ़ाते हो तो भी आप उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाते हो, इसीलिए यहां पर डीटीएल जब बनेगा तो आपका पेंडल के थ्रू नहीं बनेगा, आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू मतलब ओसीआई के थ्रू बनेगा। आई मेरी बात समझ में, गाइज अंडरस्टूड और नॉट? सर इफ यू आर कंसीडरिंग द डिसअलाउड एक्सपेंसेस इजंट इट इनकम अप्रोच, हाउ इज इट इनकम रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज सर? डिसअलाउड एक्सपेंसेस गाइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जो डोनेशन वाला एग्जांपल दिया आप शायद उसको लेके चल रहे हो। अगर मैंने डोनेशन किसी रिलीजियस ट्रस्ट को दिया तो दैट मींस आई हैव डेबिटेड इट टू माय पीएनएल, ठीक है ना, इसका मतलब मेरी बैलेंस शीट में डोनेशन वोनेशन कुछ नहीं दिख रहा। पर वैसे ही इनकम टैक्स में, अर्जुन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूं, अंजना, व्हेन इनकम टैक्स डजंट अलाउ मी द सेम डोनेशन, दैट मींस इनकम टैक्स मेरा डोनेशन मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मतलब वो मुझे पीएनएल में नहीं डालने दे रहा, मतलब मुझे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर पीएनएल बनाना पड़े तो वो मेरे डोनेशन पीएनएल में ना डाल के मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। एक तरीके से भाई मैं पीएनएल में जो चीज नहीं दिखाऊंगा वो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सरप्लस में राइट ऑफ कर दूंगा, तो वो मेरे बैलेंस शीट में चली गई। सो टेक्निकली कैरिंग अमाउंट ऑफ डोनेशन जीरो एंड टैक्स बेस ऑफ डोनेशन देयर इज समथिंग, तो इट इज अ बैलेंस शीट अप्रोच टेक्निकली, ओके। गुप्ता जी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गुप्ता जी हर जगह कुछ बच्चे होते हैं एंड किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्लीज कोई भी व्यक्ति मुझे चाहे कैसा भी बोले, बुरा बोले, कुछ भी बोले, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है उसको बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उससे ना तुम्हें फर्क पड़ेगा ना मुझे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बल्कि फर्क उसको पड़ेगा कि कम से कम उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, उसको कम से कम अब फील गुड हो रहा होगा कि चलो ठीक है मैंने लाइव जय सर को आके बोल दिया, फोन पे तो उसने कभी बोला नहीं मुझे, व्हाट्सएप पे तो बोला नहीं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती। हिम्मत कहाँ होती है कि चलो ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलो, चार लोगों के सामने बेइज्जती कर दो, करने दो, उसका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा तो कम से कम आगे वो पढ़ाई कर पाएगा, तो उसको बोलने दो। अनरियलाइज्ड गेन लॉस का डीटी रिटेल सीएफएस में बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को स्टॉक बेचा था, वही स्टॉक अभी सब्सिडरी के पास अनसोल्ड रखा हुआ है, तो जब मैं नेट असेट्स CFS में डालूंगा सब्सिडरी की तो उसमें स्टॉक भी आएगा, तो उस स्टॉक में मैं सब्सिडरी के ऊपर जो मेरा प्रॉफिट शामिल है मैं प्रॉफिट को हटाऊंगा, ऐसे केस में स्टॉक की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी, जबकि टैक्स बेस तो ज्यादा हुआ है, टैक्स बेस तो बड़ा हुआ है ना सब्सिडरी के पर्सनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में कैरिंग अमाउंट कम हो गई स्टॉक की, टैक्स बेस ज्यादा है तो मुझे ऊपर करना पड़ेगा स्टॉक को ऊपर करने के लिए, मतलब DTA। आई बात समझ में, क्लियर? सर प्लीज वो BRS वाला टेक्निक का स्लाइड दिखाओ, मैं वो स्लाइड बाद में दिखाऊंगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी एग्जांपल ऑफ डेफर टैक्स, यस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी आपका डेफर टैक्स का एग्जांपल है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप अगर मान लो बुक्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप एज पर इंड एएस डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करते हो तो आप उसका आपका कैरिंग अमाउंट जीरो हो जाता है, जबकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो शायद
5 साल तक थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो बैलेंस शीट में दिखेगा, तो ये टेक्निकली आपका डिफरेंस हो गया। आई बात समझ में? टाइमिंग डिफरेंस का एग्जाम्पल दीजिए सर। टाइमिंग डिफरेंस का एग्जाम्पल बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट रिसीवेबल बट टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, दीज ऑल आर टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, इंपेयरमेंट, अब आते हैं इंपेयरमेंट पर। कुछ बच्चों ने पूछा इंपेयरमेंट, पहले भी एक बच्ची ने पूछा था इंपेयरमेंट का क्या होगा। इंपेयरमेंट भी आपका एक टाइमिंग डिफरेंस है। सर कैसे? आप इंपेयरमेंट लगाते हो इंड एस 36 के अकॉर्डिंग, याद रखना। जब आप इंपेयरमेंट लगाते हो तो आप असेट की वैल्यू गिरा देते हो और आप पीएनएल में चार्ज करते हो, जबकि इनकम टैक्स में आपको इंपेयरमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। अब आपको लगेगा सर इनकम टैक्स में इंपेयरमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता तो सर ये तो परमानेंट डिफरेंस हो गया। नहीं, एक्चुअली जब आप इंपेयरमेंट लगाते हो तो आपकी कैरिंग अमाउंट कम हो जाती है। सोचो, इंपेयरमेंट लगाओगे तो आपके असेट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी, जबकि इनकम टैक्स में तो कुछ किया ही नहीं, तो इनकम टैक्स में तो आपका टैक्स बेस ज्यादा है। इसका मतलब अब से लेकर फ्यूचर में आगे चल के इनकम टैक्स वाले वाले आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा हायर चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में तो असेट की वैल्यू कम कर दी, तो फ्यूचर में अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कम कर पाओगे बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट, जबकि इनकम टैक्स में तो आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि इंपेयरमेंट डिसअलाउड होता है, पर उसके बदले में इनकम टैक्स आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ करता है फ्यूचर में टेक्निकली, सो इट बिकम्स अ टेम्पररी डिफरेंस। सो इंपेयरमेंट में क्या होगा, कैरिंग अमाउंट इज लोअर, टैक्स बेस इज हायर, और इंपेयरमेंट किसका होता है, असेट का, तो अब मुझे कैरिंग अमाउंट को ऊपर करना पड़ेगा, असेट को ऊपर करना पड़ेगा, तो डीटीए, तो इंपेयरमेंट से हमेशा क्या बनता है, डीटीए, और वो आपका टाइमिंग डिफरेंस है, पीएनएल में जाएगा। सिंपल, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो सिंपली टाइमिंग डिफरेंसेस बहुत टाइप के होते हैं। डू वी कंसिडर अमोर्टाइजेशन आज पढ़ने के, या आपके रिलेवेंट क्वेश्चन से पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो। यस, अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी में दो, बेटा जो पूछ रहा है मुझसे कि गुडविल में सर 25% मिलता है, मैं बात कर रहा हूं अगर गुडविल में आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो, पर अगर आप मान लो गुडविल में आपको टैक्स मिल रहा है तो आप गुडविल पे ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, 25% जहां तक मुझे याद है वो आपके इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर मिलता है, स्पेसिफिकली गुडविल की बात नहीं होती, वहां पर होती है आपके इंटेंजिबल असेट्स की। और गुडविल के ऊपर अगर आप 25% का डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो मुझे हो सकता है शायद आपका असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर दे, ये सब्जेक्ट टू, मतलब हो सकता है आगे चल के इसमें आपको केस लड़ना पड़े, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इस पे आपको फालतू का ये नहीं सोचना है कि सर उधर 25% मिलता तो है, आप सीए फाइनल के बच्चे हो, आप ये दिमाग चलाओ कि अगर मान लो आपको कभी नहीं मिल रहा तो गुडविल ऐसे केस में हम डिटेल नहीं बनाएंगे। अब आते हैं अपन डेफर टैक्स असेट्स। डेफर टैक्स असेट्स, यस, नाउ आई विल नॉट टेक डाउट्स, मैं सबसे पहले रिवीजन को कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही मैं डाउट्स लूंगा। डेफर टैक्स असेट्स को अपन लेते हैं, 2 मिनट मुझे पानी पीने दो। डेफर टैक्स असेट्स, अब मैं आपके डाउट्स बाद में लूंगा जब सेशन खत्म होगा, उस टाइम पे अपन लास्ट के 5 से 10 मिनट अपन डाउट ले लेंगे। ठीक है, अभी डाउट लेने के चक्कर में सही बात है पुराना सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो अभी अपन ने देखा डीटीएल कैसे बनता है, डीटीएल हमने देखा बीआरएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब आप असेट लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो उसके ऊपर, या फिर आप असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो इंड एस 16 के अकॉर्डिंग, तब बनता है डीटीएल आपका थ्रू पीएनएल, थ्रू ओसीआई, थ्रू गुडविल और कैपिटल रिजर्व बन सकता है। नाउ इन केस ऑफ डेफर टैक्स असेट, अब डेफर टैक्स असेट पे क्या हमें समझना है, याद रखना डेफर टैक्स की बात कर रहे हैं अपन, डेफर टैक्स असेट की बात कर रहे हैं। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप डेफर टैक्स असेट क्रिएट करते हो तो जनरली उसकी एंट्री होती है डेफर टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। आप ध्यान से देखिए इस एंट्री को, डेफर टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप डेफर टैक्स बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पीएनएल में इनकम बुक कर रहे हो,
इनकम बुक कर रहे हो, मतलब ये तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हुआ कहीं ना कहीं। तो यहां पर इंड एस 12 बोलता है कि डेफर टैक्स बनाने से पहले मेक श्योर कि वो जो डीटीए जिस आइटम के ऊपर तुम बना रहे हो वो आगे चल के सच्ची मुच्ची रिवर्स होगा, मतलब तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। डेफर टैक्स किस पे बन रहा होगा? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पे। डीटीए किस पे बन रहा होगा? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पे। अब डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मतलब क्या तुम श्योर हो कि फ्यूचर में तुम्हें डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम इनकम बुक कर रहे हो पीएनएल में। अगर तुम श्योर हो, अगर सर्टेनिटी है, अगर रीजनेबली सर्टन हो कि हाँ फ्यूचर में तुम्हें डिडक्शन सच्ची मुच्ची मिलेगा, तो फिर तुम डीटीए बना लो, अदरवाइज डीटीए बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलता है, when to create DTA, when entity has deductible temporary difference and it is probable that there will be sufficient future taxable income against which such temporary difference can be adjusted. मतलब तुम जानते हो कि future में जो तुम्हें deductions मिलने वाले हैं, उन deductions के against future में तुम्हारे पास taxable income होगी। मतलब तुम expect कर रहे हो कि future में तुम अच्छी खासी income earn करोगे जिसके against तुम्हें वो deductions मिलेंगे। Examples: प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तुम्हारा प्रोविजन डिसअलाउ हो गया, करंट ईयर में तुमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन डिसअलाउ हो गया। करंट ईयर में तुमने कोई एक्सपेंस बुक किया, सेक्शन 43B में डिसअलाउ हो गया। सेक्शन 43B कैश बेसिस पे अलाउड होता है। अब तुम्हारे कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गए। अब ये जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, ये तुम्हें फ्यूचर में अलाउ होंगे, पर कब अलाउ होंगे? जब फ्यूचर में कोई इनकम अर्न करोगे तो ही तो अलाउ होंगे ना। मान लो फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई इनकम ही नहीं है, तो अलाउ किसके अगेंस्ट होंगे? तो यहां पर ये बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास सफिशियंट टैक्सेबल इनकम होगी। अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास सफिशियंट टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट ये जो डिसअलाउड हुए हैं तुम्हारे आज, फ्यूचर में जाके अलाउ होंगे, तो ऐसे केस में तुम डीटीए बना सकते हो। डीटीए के कुछ एग्जांपल्स: प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउड हुआ, फ्यूचर में एक्चुअल बैड डेट होंगे अलाउड होंगे, पर एक्चुअल बैड डेट किसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगा? फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट। क्या फ्यूचर की इनकम कमाने की क्षमता है? क्या लगता है कि फ्यूचर में इनकम होगी? बिल्कुल होगी, मैं कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो हूं नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, बैड डेट के अलावा सेक्शन 43B के प्रोविजंस, जहां पर तुम पेबल बेसिस पे एक्सपेंस बुक कर लिया पर तुम्हारा डिसअलाउड हो गया, कैश बेसिस पे अलाउड होगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में जब अलाउड होगा तब तुम्हारे पास इनकम होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट ही तो माइनस करोगे ना, इनकम ही नहीं होगी तो कहां से माइनस करोगे? तो जितने भी एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं उन एक्सपेंसेस के ऊपर आपका डीटीए बन सकता है, व्हेन इट इज रीजनेबली प्रोबेबल और व्हेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई विल अर्न सफिशियंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट विच सच डिफरेंसेस कैन बी सेट ऑफ। आई बात समझ में? क्लियर बेटा। तो आपके करंट ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस डिसअलाउड हुए हैं, उन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को आप फ्यूचर में अलाउ करवाओगे किसके अगेंस्ट? फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट। फ्यूचर की इनकम आएगी ये कैसे बोल सकते हो? अरे सर, मेरे पास अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि मैं फ्यूचर में इनकम अर्न करूंगा। जनरली अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है। यहां ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा जनरली बोला गया लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए, सिख इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो डीटीए ना बनाए, क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, सिख इंडस्ट्रीज होती है, वो पहले से ही साले लॉस में चल रहे हैं, ऊपर से वो डीटीए बनाना चाहते हैं। अरे भैया क्यों बना रहे हो डीटीए? फ्यूचर में तुम प्रॉफिट कमाओगे क्या? हाँ कमाएंगे। साले अभी तो लॉस में हो, पहले से ही साला आधा तुम्हारा पैर तो वैसे ही कवर में है, क्या करने वाले हो? फ्यूचर में पता नहीं तुम्हारा प्रॉफिट होगा कि नहीं। हाउ कैन यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डिडक्शंस इन द फ्यूचर? There is no probability. ऐसे केस में DTA नहीं बनाने दिया जाता। तो try to understand, DTA बनाने से पहले एक probability होनी चाहिए। किस चीज की probability? Future taxable income की probability. Areas of DTA, same, timing difference. अगर कोई timing difference है, ये आपका timing difference depreciation हो गया, आपका preliminary expenses हो गया, क्योंकि preliminary expense का benefit थोड़ा थोड़ा करके मिलता है income tax में, future में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका bonus हो गया, bonus payable 43B में disallowed हो गया। इसके अलावा आपके taxes payable, गवर्नमेंट ड्यूज पेबल, आपके 43B पे डिसअलाउड हो गए। बैड डेट्स का प्रोविजन, ये सब के सब आपके क्या है? टाइमिंग डिफरेंसेस। बिजनेस कॉम्बिनेशन, सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन फिर से क्यों आया? क्यों? यहां पर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन आया था फेयर वैल्यू, यहां पे भी सेम बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई फेयर वैल्यू टैक्स बेस से कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो डीटीए भी हो सकता है, डीटीएल भी हो सकता है।
और डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन यहां था, अपवर्ड रिवोल्यूशन ओसीआई के थ्रू, यहां डाउनवर्ड रिवोल्यूशन पेंडल के थ्रू। सर क्यों? क्योंकि अपवर्ड रिवोल्यूशन जब करते हो तो रिवोल्यूशन रिजर्व में डालते हो, जबकि डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करते हो तो डाउनवर्ड रिवोल्यूशन को इंडिया 16 बोलता है कि पेंडल में ले जाएंगे, इसीलिए तुम डीटीए भी पेंडल के थ्रू बनाते हो। आई मेरी बात समझ में? गाइज मैं जो आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं मैट एम हेलो बच्चों, अब आ रहा है साउंड? कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आया, कहाँ पर मेरा साउंड खत्म हो गया था मुझे बताइए। हाँ, अनयूज टैक्स क्रेडिट, ठीक है, अनयूज टैक्स क्रेडिट।
ठीक है ना यार सर, कोई चैट करने की जरूरत क्या है, ये तो वही गवार बना हुआ। आपको शुरू में इंस्ट्रक्शन बताए थे कि फालतू की चैट नहीं करनी, भाई दिख गया ना मुझे। सभी लोग क्यों बता रहे हो, सभी लोग सेम पॉइंट कर रहे हो, दिख गया ना मुझे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या दिए थे, फालतू की चैट नहीं करनी। दिख गया मुझे कि साउंड नहीं है, समझ में आ गया मैंने कहां पर छोड़ा था। बेवजह से करते हो, मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। दिस इज द रीजन आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने, बट आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हो एक्चुअली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक व्यक्ति बता रहा है, दो व्यक्ति बता रहा है, 10 व्यक्ति बता रहा है, 12 व्यक्ति बता रहा है, हर किसी को सेम अमाउंट सेम चैट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने चैट को थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया है। मैं बात कर रहा था अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट की, मैं वहां से बताना शुरू कर रहा हूं। एएमटी और मैट के प्रोविजंस की बाद में बात करेंगे। मैंने एएमटी मैट का ये बोला था कि बाद में पूछ लियो, अभी मत पूछो, अभी सीक्वेंस खराब होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट और लॉसेस में करने का क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है अनयूज्ड लॉसेस, मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड सेट ऑफ, जो हमारे इनकम टैक्स में होता है, हम पढ़ते हैं अनयूज्ड लॉसेस, जिनको आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करते हो। दूसरा होता है अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। हमारे इंडिया में अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट का कोई फंडा नहीं है, पर बात यहां पर इंडेस की चल रही है, इंडेस लिया गया है आईएफआरएस से। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि करंट ईयर में मान लीजिए आपने इतना सारा एडवांस टैक्स पे कर दिया या आपका इतना सारा टीडीएस कट गया कि करंट ईयर की लायबिलिटी से भी सेट ऑफ हो गया, उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलता है। पर मान लीजिए कल को अगर आपके इनकम टैक्स में एक नया प्रोविजन आ जाए कि आप चाहो तो अगर आपके पास ज्यादा टीडीएस है, ज्यादा एडवांस टैक्स है करंट असेसमेंट ईयर का, आप उसको सेकंड असेसमेंट ईयर, मतलब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे की टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिफंड, ऐसे केस में वो बन जाएगा अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। सो देयर आर टू थिंग्स, वन अनयूज्ड लॉसेस, सेकंड अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। दोनों के केस में डीटीए बनता है। सर डीटीए क्यों बनेगा, सिंपल सी बात है, आपके पास करंट ईयर के लॉसेस है, आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, किस अपेक्षा से, किस एक्सपेक्टेशन से कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, मैं उसके अगेंस्ट लॉसेस को सेट ऑफ करूंगा तो फ्यूचर में फायदा मिलेगा, टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी, तो डीटीए। और अगर आपके पास टैक्स क्रेडिट है तो भी कि अरे फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसके अगेंस्ट मैं ये टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करूंगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी गिर जाएगी, तो डीटीए बनेगा। तो कुल मिला के अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट और टैक्स लॉसेस से आपके डीटीए बनता है। बट ऐसे केस में इंडेस कहता है कि अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट और लॉसेस के केस में डीटीए बनाने के लिए आपको ये चार में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्यों, यू हैव टू चेक वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। सर व्हाट इज दिस वर्चुअल सर्टेनिटी, अभी तक हम ऊपर देख रहे थे प्रोबेबिलिटी कि डीटीए बनाना चाहते हो, देख लो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम अर्न करने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। सर है, चल बना ले डीटीए, कोई बात नहीं। बट फोर्थ पॉइंट पे डीटीए बनाना चाहते हो, अनयूज्ड लॉसेस पे, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट पे डीटीए बनाना है। हां सर बनाना है। नहीं, प्रोबेबिलिटी चेक मत कर, अब तू सर्टेनिटी चेक कर, वर्चुअल सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज मोर देन अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थी मतलब 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि मुझे इनकम होगी, वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी है कि मुझे इनकम होगी ही होगी और उस चीज का कुछ कन्विंसिंग एविडेंस मैं दिखा सकता हूं। सो आई हैव वर्चुअल सर्टेनिटी एंड आई कैन सपोर्ट दिस सर्टेनिटी बाय कन्विंसिंग एविडेंसेस। किस चीज की, चार में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मान लिया जाएगा कि तेरे पास सर्टेनिटी है। पहला, Sufficient taxable temporary differences will be available in future to set off the deductible differences. देख तू DTA बना रहा है, तू DTA बना रहा है, DTA किस पे बनता है, deductible temporary difference पे। क्या तू ये बोल सकता है कि जिस टाइम पे तेरे को डिडक्शन मिलेगा, मतलब अगले साल, क्या उस साल तेरे पास taxable temporary differences होंगे? अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। या एक काम करो, इसको पहले मत पढ़ो, इसको पहला पढ़ो, पहला इसको पढ़ो क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इसको पढ़ो, क्या पढ़ना है पहले, सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। सिंपल, तुम्हें ये चेक करना है कि क्या फ्यूचर में तुम्हारे पास सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। अगर होंगे उसी साल में तो यस यू कैन क्रिएट द डीटीए, अंडरस्टूड। दूसरा, सर नहीं, मेरे पास सर सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे।
सर नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, मेरे पास प्रॉफिट होंगे ही नहीं सर, टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होंगे। पर सर टैक्सेबल प्रॉफिट तो नहीं होंगे, पर मेरे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस आज जरूर है जो सेम ईयर में जाके रिवर्स होंगे। आज मेरे पास कुछ सर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस भी हैं, मतलब डीटीएल टाइप के। अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस है आज जो अगले साल रिवर्स होंगे, उसके अगेंस्ट मैं अपने डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को अगर सेट ऑफ कर दूंगा तो सर मजा आ जाएगा। तो मेरे पास सर इनकम की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, पर हां टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस आज मेरे पास हैं जो कि मेरे सेम ईयर में रिवर्स होंगे जिस ईयर में मेरे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स हो रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं जब डीटीएल बना रहा हूं ये सोच के कि मेरे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हैं, तो सर मैं डीटीए भी तो बना सकता हूं, क्योंकि डीटीए मेरे डिडक्टेबल पे बनते हैं और डिडक्टेबल जाके उन्हीं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस से सेट ऑफ हो जाएंगे, मतलब रिवर्स होने के लायक हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम इतना क्यों बोल रहे हैं। डीटीए तभी बनेगा जब आगे चल के वो रिवर्स होगा। रिवर्स होने के लिए या तो तेरे पास इनकम होनी चाहिए, इनकम नहीं है तो या तो तेरे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होने चाहिए जिसके अगेंस्ट डिडक्टेबल सेट ऑफ हो सके। तो ये दूसरा सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कायदे से पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है। तीसरा, अनयूज्ड लॉसेस आर ड्यू टू इन अनआइडेंटिफाइबल कॉजेस व्हिच आर लाइक अनलाइकली टू अराइज। अरे करंट ईयर में लॉसेस कुछ कारण से हो गए, कोविड 19, आइडेंटिफाइबल कॉजेस। हमारी कंपनी कभी लॉस मेकिंग होती है क्या? आज छोड़, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में होती है। करंट ईयर में लॉसेस हो गए, करंट ईयर में लॉसेस हो गए, दैट डजंट मींस करंट ईयर में लॉसेस हो गए मतलब अनयूज्ड लॉसेस हैं, पर मैं जानता हूं अगले साल प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों हुए? आइडेंटिफाइबल कॉज, कोविड 19 के चक्कर में। अगले साल से देखना कितना शानदार प्रॉफिट कमाऊंगा। सो आई हैव रीजन कि मेरा लॉस क्यों हुआ एंड विच आर अनलाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। फ्यूचर में ऐसा बार बार नहीं होगा, ये कोविड 19 की सिचुएशन हर बार हर साल थोड़ी आएगी। एक बार वैक्सीन बन जाए उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो बट फिर अपना अपना बिजनेस भी अच्छा खासा चलता रहेगा। तो आई नो वेरी वेल कि मेरे लॉसेस क्यों हुए हैं और वो फ्यूचर में ऐसे रीजंस नहीं आएंगे बार बार, तो डोंट वरी फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट होगा। तो तीसरा या फिर चौथा, एंटिटी हैज सफिशिएंट टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज टू सेट ऑफ टाइम। मेरे पास जो टेम्पररी डिफरेंसेस है ना, मैं उनको सेट ऑफ करना चाहता हूं फ्यूचर में। यस, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम अर्न करने का चांसेस तो कम है, बट मेरे पास कुछ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आगे चल के फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नए प्रोविजंस लाने वाली है, कुछ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है मुझे। उन टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर आई कैन से कि आई विल बी एबल टू सेट ऑफ माई टेम्पररी डिफरेंस एंड हेंस आई कैन क्रिएट माई डीटीए। सो दिस इज फोर्थ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चार कंडीशन आपको डीटीए में हर बार चेक नहीं करनी, सिर्फ आपको चेक करनी है अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लॉसेस के केस में। ये चार कंडीशन, आप चार में से कोई भी एक लिखा है मैंने, एनी वन। अब मुझे अगर आप इस पे कुछ पूछना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मैं चैट को फिर से डिसेबल कर दूंगा, दो मिनट आप पहले मुझसे पूछ लीजिए। हाउ टू डिटरमाइन टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट और नॉट। बेटा ऐसे डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो होता है कि मान लो कोई नई अनाउंसमेंट आ गई, नया कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई टैक्स बजट ऐसा लेके आए जिसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि उस टैक्स बजट में आपके बिजनेस को फायदा होने वाला है, तो दिस इज अ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी, सिंपल। टैक्स प्लानिंग का रीजनेबल सर्टनिटी कैसे होगा? बेटा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में लेके आया, इसके अलावा क्या सर्टनिटी होगी यार, मतलब क्वेश्चन तो सोच समझ के पूछो। सेकेंड पॉइंट समझाओ फिर से, सेकेंड पॉइंट समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट समझना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या तुम फ्यूचर में अच्छी खासी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम अर्न करने की क्षमता रखते हो? द आंसर इज येस, बना लो डीटीए। द आंसर इज नो, नहीं, फ्यूचर में ना अगले साल मेरे को ना इनकम होगा पता नहीं, पर इनकम भले नहीं होगा, मेरे पास आज कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस रखे टैक्सेबल वाले, टैक्सेबल वाले रखे हैं मतलब जब वो अगले साल रिवर्स होंगे ना, और वो पक्का है कि रिवर्स होंगे, जिन पर मैंने आज डीटीएल बना लिया है, जब वो रिवर्स होंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। ओहो टैक्स लगेगा,
मतलब वो रिवर्स होंगे तो कहीं ना कहीं इनकम क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट होगी तो टैक्स लगेगा, तो ठीक है फिर मैं अपने डीटीए भी बना सकता हूं, क्योंकि जो मैं डीटीए बना रहा हूं वो डिडक्टेबल पे बना रहा हूं, तो वो डिडक्टेबल भी उसी साल में रिवर्स होगा, तो वो डिडक्टेबल जो होगा वो टैक्सेबल के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, मेरा टैक्स भी बच जाएगा। तो मैं जब डीटीएल बना रहा हूं ये सोच के कि अगले साल वो रिवर्स हो रहा है, तो डीटीए भी मैं बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है जो उस टाइमिंग टैक्सेबल डिफरेंस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट था, आई बात समझ में कि नहीं? Unused tax credit will already be shown in the balance sheet as current tax asset. Then why do we tax credit unused tax current tax asset? Why do we have to create DTA? Dear, try to understand. जितना portion तुम्हारा set off हो रहा है current year की liability से, उतने तक का तुम्हारा current tax asset दिखेगा। जितना portion तुम set off नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी current asset दिखेगी। वो तुम्हारी asset है, पर tax तुम उसको current tax नहीं दिखा रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? क्योंकि वो तुम अगले साल में सेट ऑफ कर रहे हो, तो अगले साल में सेट ऑफ करो तो वो करंट ईयर का तो है ही नहीं, कहने का मतलब। सर, कैन बिजनेस कॉम्बिनेशन बी कंसीडर्ड फॉर द फोर्थ पॉइंट? यस, सफिशिएंट टैक्स प्लानिंग। मान लो सपोज तुम किसी कंपनी को टेक ओवर करने का सोच रहे हो और तुम्हारी डीलिंग लगभग फाइनलाइज हो गई है, सो यू आर सीइंग सम, यू आर हैविंग सम टैक्स प्लानिंग इन दैट केस, तो यस बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन बी कंसीडर्ड। सर, लेटर ऑन सर्कमस्टांसेस चेंज, यू हैव टू चेंज द डीटीए, यू हैव टू रिवर्स द डीटीए, सिंपल। सर, व्हाट टू डू फॉर एडवांस इनकम रिसीव्ड? एडवांस इनकम रिसीव्ड के केस में अगर मान लो तुम्हें इस साल इनकम हो गई पर वो टैक्सेबल अगले साल होगी, तो ऐसे केस में तुम्हारा डीटीएल बनेगा, वो तो टाइमिंग डिफरेंस, सिंपल। आई थिंक मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट केसेस थे, याद रखना डीटीए का। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स, डेफर टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजंस। ये करंट टैक्स और डेफर टैक्स को मेजर कैसे करते हैं, करंट टैक्स और डेफर टैक्स को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना? करंट टैक्स और डेफर टैक्स को मेजर कैसे करते हैं? कन्विंसिंग एविडेंस, मतलब कन्विंसिंग एविडेंस मतलब कोई ऐसा एविडेंस जिसके बेसिस पर तुम किसी को भी कन्विंस कर सको कि फ्यूचर में तुम्हें इनकम तो होगी होगी। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, मुझे आया कि मैं चाइना में गुड्स एक्सपोर्ट करने का मुझे ऑर्डर मिल चुका है, मुझे किसी चाइना के कस्टमर से मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है, मतलब मैं उनको एक्सपोर्ट करूंगा, इससे मुझे फ्यूचर में इनकम होगी और ये ऑर्डर मैं अगले साल बनाऊंगा। सो दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर कैन बी ट्रीटेड एज एविडेंस और आई कैन कन्विंस यू बाय दिस कि देखो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी मुझे। दिस इज कॉल्ड कन्विंसिंग एविडेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स, डेफर टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजन, उसमें सबसे पहले हाउ टू मेजर। सर, आप करंट टैक्स और डेफर टैक्स को किस पे मेजर करते हो, कौन से रेट पे? करंट ईयर के रेट पे, अगले साल के रेट पे? देखो इसमें बेटा मैं दो बातें बोलूंगा। इसमें करंट टैक्स की बात करें तो करंट टैक्स का रेट तो आपको पहले से ही पता होता है, पहले से ही इनेक्टेड होता है वो करंट असेसमेंट ईयर का टैक्स। इसमें आपको दो बातें अलग अलग करनी है, करंट टैक्स अलग, डेफर टैक्स अलग। करंट टैक्स के लिए जो रेट होगा वो तो पहले से ही फाइनेंस बजट में आ चुका होगा, फाइनेंस एक्ट में इनेक्टेड हो गया होगा। बट अगर हम डेफर टैक्स की बात करें तो डेफर टैक्स टेक्निकली आपका फ्यूचर में बेनिफिट होता है या फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको चाहिए फ्यूचर का रेट। तो ऐसे केस में वो बोलता है टैक्स रेट विच इज इनेक्टेड और सब्सटेंशियली इनेक्टेड एट बैलेंस शीट डेट। अगर आपके देश में, अगर आपकी कंट्री में अगले साल का रेट पहले से ही आज आपको पता है और वो फाइनल हो चुका है, तो आप वो रेट लगा सकते हो डीटीए बनाने के लिए या डीटीएल बनाने के लिए, क्योंकि डीटीए डीटीएल कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर का है, करंट टैक्स तो आपका करंट ईयर का है तो उसके ऊपर तो करंट ईयर का रेट लगेगा, बट डीटीए डीटीएल के ऊपर कौन सा रेट लगाओगे, करंट ईयर का कि फ्यूचर ईयर का? तो ऐसे केस में इंड एएस कह रहा है फ्यूचर ईयर का रेट लगा सकते हो अगर फ्यूचर ईयर का रेट आपको करंट ईयर में पता है और वो ऑलरेडी इनेक्टेड है या सब्सटेंशियली इनेक्टेड है। सब्सटेंशियली इनेक्टेड मतलब यू कैसे, जब भी फाइनेंस बिल आता है तो उसको पास करता है, सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है। मान लीजिए वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो चुका है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, सिर्फ प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलना
बचा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसर्न आराम से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज सब्सटेंशियली इनेक्टेड कि हाँ अगला साल का टैक्स रेट क्या होगा। तो मैं फिर से बोल देता हूं कि करंट ईयर में करंट टैक्स का तो करंट रेट हो जाएगा, करंट ईयर का रेट हो जाएगा, बट फ्यूचर का जो रेट है, अगले साल का रेट, वो आपको करंट ईयर में पता है क्या? क्या वो ऑलरेडी इनेक्टेड है क्या? क्या वो फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बन चुका है क्या 31 मार्च से पहले पहले, या वो सब्सटेंशियली इनेक्टेड हो चुका है क्या? अगर है तो आप फ्यूचर का टैक्स रेट ले सकते हो, और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी पास नहीं हुआ है, तो आपको करंट ईयर का ही रेट लेना पड़ेगा टू मेजर द डीटी डीटीएल। अंडरस्टूड? प्रेसिडेंट का कंसर्न नहीं मिला, ठीक है, अगर मान लो कल को प्रेसिडेंट का कंसर्न नहीं मिला और प्रेसिडेंट का कंसर्न मिलने से पहले वो चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, आप उतने से रिवर्स कर देना। मान लो आपने सोचा कि फ्यूचर में टैक्स रेट 30% होगा, आपने 30% के हिसाब से डीटी डीटीएल बना लिया, कल को आपको गलती हो गई, अरे यार आपको तो 25% लेना चाहिए था, 5% से आप रिवर्स कर दो, क्या दिक्कत है। तो इंडेस बोलता है कि कोशिश करके वो रेट लो जिसमें आपको श्योरिटी है कि बाद में आपको चेंजेस ना करने पड़े। बट अगर बाद में चेंजेस करने पड़े तो दिक्कत क्या है? यहां कोई ऐसा थोड़ी है कि इनकम टैक्स पढ़ने की पेनल्टी लग जाएगी, असेसिंग ऑफिसर ये कर देगा वो कर देगा, सब आपके हाथ में, आप चेंजेस कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है बेटा, फॉर द टाइम बींग आई एम टर्निंग ऑफ द चैट। ऑफसेट ऑफ करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लाइबिलिटी आपस में ऑफसेट हो सकती है कि नहीं, और वैसे ही डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपस में ऑफसेट हो सकती है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करंट टैक्स को डेफर्ड टैक्स से ऑफसेट करना है, मैं बोल रहा हूं इसकी असेट को इसकी लाइबिलिटी से और इसकी असेट को इसकी लाइब्रेरी से ऑफसेट कर सकते हैं कि नहीं। द आंसर इज यस, कर सकते हैं अगर दो कंडीशन फुलफिल हो तो। पहला, लीगल इनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ। सर ये क्या होता है लीगल इनफोर्सिबल राइट? मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूं। इंटेंशन टू सेट ऑफ ऑन नेट बेसिस साइमल्टेनियसली। नाउ लीगल इनफोर्सिबल राइट मतलब सिंपल सी बात है, आपका असेसमेंट ईयर 2021 का टीडीएस कट रहा है और असेसमेंट ईयर 2021 का आपका 4 लाख का टीडीएस कटा और असेसमेंट ईयर 2021 की आपकी टैक्स लायबिलिटी आई 3 लाख, तो जो 3 लाख की आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, दिस इज योर करंट टैक्स लायबिलिटी एंड टीडीएस इज योर करंट टैक्स असेट। क्या आप इस 4 लाख को 3 लाख से सेट ऑफ कर सकते हो? द आंसर इज यस, हमारा इनकम टैक्स मुझे अलाउ करता है। तो यस, देयर इज अ लीगल इनफोर्सिबल राइट, बट असेसमेंट ईयर 2021 की लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 21-22 के टीडीएस से सेट ऑफ हो सकती है क्या? द आंसर इज नो। असेसमेंट ईयर 21-22 का टीडीएस और असेसमेंट ईयर 2021 की लायबिलिटी से सेट ऑफ हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट हैव लीगल राइट टू सेट ऑफ। सो सबसे पहले जो असेट को जो लायबिलिटी से सेट ऑफ करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग पहले चेक कर लो एक्ट में जाके, इनकम टैक्स एक्ट में जाके, कि सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं। सीधी बात है, लीगल इन्फोर्सिबल राइट मतलब तुम्हारा इनकम टैक्स का एक्ट तुम्हें अलाउ कर रहा है कि नहीं अलाउ कर रहा। दूसरा, इंटेंशन टू सेट ऑफ ऑन नेट बेसिस, क्या तुम नेट बेसिस पे सेट ऑफ करना चाहते भी हो कि नहीं? ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं अपना टीडीएस करंट असेसमेंट ईयर का करंट असेसमेंट ईयर की लाइब्रेरी से सेट ऑफ क्यों ना करूं, कर सकता हूं। तो यहां पर इंटेंशन बोला है। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मैंने आपको अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट की बात की थी, सपोज आपको इनकम टैक्स ने बोला कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट रखे, मतलब तुम्हारे पास ज्यादा टीडीएस रखा है, करंट ईयर की लायबिलिटी सेट ऑफ हो चुकी है, तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो हमसे रिफंड ले लो या तो अगले साल की लायबिलिटी से सेट ऑफ कर देना। अब देखो मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है रिफंड लेने का। मेरा इंटेंशन रिफंड लेने का है मतलब यहां पर मैं उसको रिफंड रिसीवेबल को करंट टैक्स असेट मानूंगा और अगले साल की लायबिलिटी से मैं उसको सेट ऑफ नहीं करूंगा, मतलब दोनों चीजें आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकती, मैं दोनों को अपनी बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाऊंगा। रिफंड रिसीवेबल को मैं अपनी बैलेंस शीट में करंट टैक्स असेट दिखाऊंगा और जो मेरे अगले साल की लायबिलिटी है उसको करंट टैक्स लायबिलिटी दिखाऊंगा, दोनों को सेट ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं दोनों को सेट ऑफ करूं। मेरे को ऑप्शन दिया गया है बट मैं रिफंड मांगना चाह रहा हूं। यहीं पर मुझे ऑप्शन मिला है कि मैं सेट ऑफ कर सकता हूं और मैंने बोला हाँ यार ठीक है कर लो यार, कौन रिफंड लेगा,
मैं सेट ऑफ करके मैं उसको दोनों को नेट करके दिखा सकता हूं। सो करंट टैक्स असेट, करंट टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स। अब आते हैं डेफर टैक्स असेट लाइबिलिटी पे। डेफर टैक्स असेट तुम्हारी रिवर्स होगी 2 साल बाद, डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स होगी 4 साल बाद। क्या दोनों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग ईयर में रिवर्स हो रही है। पर डेफर टैक्स असेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी सेम ईयर में रिवर्स हो रही है, तो यहां तुम इसका मतलब इंटेंशन टू सेट ऑफ है कहीं ना कहीं, तो तुम सेट ऑफ कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? तो ये बात बहुत ही छोटी सी पॉइंट है कि आप सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं। लीगल इन्फोर्सिबल राइट, लीगल राइट होना चाहिए सेट ऑफ करने का, और दूसरा तुम्हारा इंटेंशन है कि नहीं। नेक्स्ट, अब छोटे छोटे केसेस हैं, स्पेशल केसेस, छोटे छोटे केसेस हैं, स्पेशल केसेस। पहला, टैक्स हॉलीडे पीरियड, सिंपल सी बात है। यस सर, टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है? टैक्स हॉलीडे पीरियड आपने देखा होगा सेक्शन 80IA, 80IB, 10A, 10B, जहां पर लगातार 3 साल तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए आपकी कंपनी टैक्स हॉलीडे पीरियड में चल रही है, जहां पर लगातार 3 साल तक, लगातार 4 साल तक, लगातार 5 साल तक आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कितनी भी इनकम अर्न कर लो। अब सपोज आपके पास 3 साल का टैक्स हॉलीडे पीरियड है, तो ऐसे केस में उस 3 साल के पीरियड में DTA DTL बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो इसमें सिंपल सी कहानी यह है, मान लीजिए यह है आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड THP, और यह आपका टैक्सेबल पीरियड, यह आपका टैक्सेबल पीरियड। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में कोई DTA अराइज हुआ, आपको यह चेक करना है कि यह DTA रिवर्स कब हो रहा है। क्या सेकेंड ईयर में रिवर्स हो रहा है? क्या थर्ड ईयर में रिवर्स हो रहा है? आपका यह DTA रिवर्स कब हो रहा है? रिवर्सल, क्या यह थर्ड ईयर में रिवर्स हो रहा है? आपका DTA रिवर्स हो रहा है सेकेंड और थर्ड ईयर में। मतलब ऐसा DTA जो अराइज हुआ टैक्स हॉलीडे पीरियड में और रिवर्स भी टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही हो रहा है, उस पर कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी डेफर टैक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, इग्नोर करो, चाहे DTA हो चाहे DTL हो। पर ऐसा कोई टेम्पररी डिफरेंस, ऐसा कोई टेम्पररी डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस जो कि अराइज हुआ फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पर रिवर्स होगा टैक्सेबल पीरियड में, ऐसे केस में आप यहीं पर DTA DTL क्रिएट करोगे। यू हैव टू क्रिएट, सिंपल सी बात है। आपका डिफरेंस रिवर्स कब हो रहा है ये चेक करना है, आपको ये टाइमिंग चेक करनी है कि डिफरेंस रिवर्स आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही हो रहा है। अगर आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही डिफरेंस रिवर्स हो रहा है तो आप उससे कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप टैक्स हॉलीडे पीरियड में हो। आप ये बोलोगे कि अरे रिवर्स होगा, रिवर्स होगा सेकेंड ईयर में, मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अरे रिवर्स नहीं भी होगा तो भी मैं बेनिफिट में हूं, क्योंकि मैं टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? या रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स, अरे टैक्स लगेगा ही नहीं, आप टैक्स हॉलीडे पीरियड में चल रहे हो। तो चाहे DTA हो चाहे DTL हो, ये किसी काम की नहीं, क्योंकि आपकी टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो रही है। पर आपका टेम्पररी डिफरेंस अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स हो रहा है, तो ऐसे केस में आप DTA DTL बनाओगे कब? जब आपका वो अराइज हुआ था, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, शेयर बेस्ड पेमेंट, याद रखना। शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है? शेयर बेस्ड पेमेंट, ईसॉप, मैं ईसॉप की बात कर रहा हूं, ईसॉप के बाद कैश ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं, जहां पर आप हर साल एस्टिमेटेड बेसिस पर एक्सपेंस बुक करते हो। आप जानते हो आप हर साल एस्टिमेटेड बेसिस पर एक्सपेंस बुक करते हो एज पर इंड एस 102। आपका लगता है इंड एस 102, इंड एस 102 के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंस बुक करते हो। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब आप एक्सपेंस बुक करते हो इंड एस 102 के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स में मान लो उन्होंने बोला कि हम आपको हर साल बेनिफिट नहीं देंगे, जब आप एक्चुअली शेयर बेस्ड पेमेंट अपने एम्प्लॉई को दोगे 3 साल बाद, मान लो जब आप एक्चुअली में शेयर दोगे उस टाइम पे हम आपको पूरा एक्सपेंस का बेनिफिट देंगे। अगेन टेम्पररी डिफरेंस, क्योंकि हर साल तुम एक्सपेंस बुक कर रहे हो, तुमने फर्स्ट ईयर एंट्री की, तुमने फर्स्ट ईयर एंट्री की, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ये तुम्हारा कहां गया? P&L में। तुम्हारा अगर P&L में गया तो कैरिंग अमाउंट 0, जबकि इनकम टैक्स ने क्या बोला, हम डिडक्शन आज नहीं देंगे। अब अगर इनकम टैक्स बोल रहा है कि आज डिडक्शन नहीं देंगे, तो ये चीज मेरे P&L से मैं निकाल के इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं बैलेंस शीट में टैक्स बेस में कुछ ना कुछ वैल्यू पे बुक करूंगा, समथिंग होगी, कुछ वैल्यू होगी, मान लो 100 रुपए, और यहां पर 0। मैंने पहले साल एक्सपेंस बुक किया, P&L में डाल दिया, मतलब मेरे बैलेंस शीट में कुछ नहीं, पर यही एक्सपेंस मेरा इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो गया,
तो मेरी टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में ये एक्सपेंस दिखेगा क्योंकि आगे चल के मुझे बेनिफिट मिलना है। ऐसे करके सेकेंड ईयर में भी हुआ, थर्ड ईयर में भी हुआ, क्या दिख रहा है? कहीं ना कहीं टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है और कैरिंग अमाउंट जीरो है। ऐसे केस में डीटीए बनना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में आपका डीटीए बनता है अगर फ्यूचर में आपको उसका एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा और करंट ईयर में नहीं मिल रहा है। तो दिस इज अगेन योर टाइमिंग डिफरेंस। आप मुझसे पूछ रहे थे सर टाइमिंग डिफरेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ये सब ये एग्जाम्पल भी उसमें कंसिडर होता है जो आप पेंडल के थ्रू बनाते हो, क्योंकि आप शेयर बेस्ड पेमेंट को बुक करते हो पेंडल में। इंडेक्सेशन, आपको सबको पता है कि कैपिटल गेन के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। व्हेन देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंटिटी विल गेट इंडेक्सेशन बेनिफिट अंडर टैक्स लॉ। अब मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, आपके पास लैंड है और आपको पता है कि आप लैंड वो 4 साल बाद बेचने वाले हो। आप जानते हो कि आपने वो लैंड 4 साल बाद बेचनी ही बेचनी है। आपने वो लैंड खरीदी 1 लाख रुपए की, आपने लैंड कितने की खरीदी? 1 लाख रुपए की। कैरिंग अमाउंट कितना? 1 लाख। टैक्स बेस कितना? 1 लाख। सिंपल, ठीक है। पर आप जानते हो कि 4-5 साल बाद आप वो लैंड बेचोगे, आप 100% जानते हो कि बेचोगे। इसका मतलब जब 4 साल बाद 5 साल बाद बेचोगे तो उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब उसका टैक्स बेस बढ़ता जाएगा, इनकम टैक्स में वो वैल्यू बढ़ती जाएगी लैंड की, उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जबकि आपने अपनी बुक्स में लैंड को तो हमेशा रियल कॉस्ट पे दिखाया है। तो इससे क्या होता है कि आपका लैंड का कैरिंग अमाउंट 1 लाख ही रहेगा पर आपका लैंड का टैक्स बेस बढ़ता जाएगा क्योंकि उसका इंडेक्सेशन कॉस्ट बढ़ता जाएगा और आपका बेचने का इंटेंशन है। तो कहीं ना कहीं सोचो आपका टैक्स बेस हायर है, कैरिंग अमाउंट लोअर है, आपको ऊपर करना पड़ेगा, लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको डीटीए क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे केस में आप क्या क्रिएट करोगे? डीटीए इफ इंटेंशन टू सेल। अब यहीं पर मैं लैंड खरीद के लाया, उसका इंडेक्सेशन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बट मैं जानता हूं कि मैं उस लैंड को कभी जिंदगी में नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं। जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो जो ये डिफरेंस है ये परमानेंट डिफरेंस है। नो डीटीए इफ इंटेंशन टू यूज इन द लॉन्ग टर्म, मतलब मेरा अगर इंटेंशन बेचने का है ही नहीं तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। इसका मतलब अगर ये परमानेंट डिफरेंस हो गया तो ये आपका यहां पर आ गया, जो हम बात कर रहे थे ना, ये परमानेंट डिफरेंसेस। कि कभी कभार क्या होता है, वो डिफरेंसेस हमेशा के लिए रह जाते हैं, कभी रिवर्स नहीं होते। तो याद रखना कि अगर इंडेक्सेशन के केस में अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है जहां पर आपका इंटेंशन है बेचने का, आप 100% श्योर हो कि आगे चल के आप उसको बेचोगे, तो आप इंडेक्सेशन को ध्यान में रखते हुए डीटीए क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि आप कभी नहीं बेचोगे तो आप फिर इंडेक्सेशन को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको डीटीए बनाने की जरूरत नहीं है। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर। इसको ध्यान से पढ़ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर। मैंने एक सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेस किए, मेरी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, कि नहीं? इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा और मेरे टैक्स के रिकॉर्ड में भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा मेरी बैलेंस शीट में। अब आप जानते हो कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू कर सकता हूं। 109 मैंने वन जीरो मैं 109 लगा सकता हूं, मैं इंड एस 27 लगा सकता हूं, इंड एस 27। इंड एस 27 का नाम क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट को दो में से किसी एक जगह एक वैल्यू पे दिखा सकते हो, इधर कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो अगर मान लो मैं फेयर वैल्यू कर रहा हूं तो आई कैन रीवैल्यू इट, पर टैक्स बेस कभी फेयर वैल्यू हो नहीं सकता, वो तो हमेशा कॉस्ट पे ही रहेगा। इनकम टैक्स थोड़ी आपको कभी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब इससे क्या क्रिएट होगा? इससे क्रिएट होगा आपका डिफरेंस, तो क्या इस डिफरेंस पे मुझे डीटीए डीटीएल क्रिएट करना चाहिए क्या? डिपेंड करता है, अगर सब्सिडरी कंपनी है, तो मुझे डीटीएल क्रिएट नहीं करना चाहिए। अच्छा, डीटीएल ही क्यों हो रहा है? क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है मेरे इन्वेस्टमेंट की और टैक्स बेस कम है, मुझे वापस लाना पड़ेगा, मुझे नीचे करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, मतलब असेट कम, मतलब लाइबिलिटी, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बननी चाहिए। तो यहां बोल रहा है लाइबिलिटी हम नहीं बनाएंगे सब्सिडरी के केस में। क्यों? पेरेंट हैज कंट्रोल, दैट इज पेरेंट कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। पेरेंट कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। सर ये रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस कंट्रोल मतलब, इसको ऐसे सोचो, पेरेंट आज अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मेरी सब्सिडरी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। बट भले वो प्रॉफिट अर्न कर ले, मैं कभी भी
सब्सिडरी को डिविडेंड बुक नहीं करने दूंगा, डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने दूंगा, सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने दूंगा। पेरेंट कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ टाइम टेम्पररी डिफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी सब्सिडरी अगर आज अच्छी खासी इनकम अर्न कर रही है, इसका मतलब आज मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है इसीलिए मैं अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर रहा हूं, और मेरी सब्सिडरी आगे चल के कभी भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी तो वो डिविडेंड मुझे रिसीव होगा, और डिविडेंड अगर मुझे रिसीव होगा तो मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। आपको याद होगा अभी रिसेंटली फाइनेंस बजट आया था जिसमें रिसीवर के हैंड्स में डिविडेंड टैक्सेबल होता है। तो पेरेंट बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी अपने सब्सिडरी को डिविडेंड डिक्लेयर करने ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं पेरेंट हूं, मेरे पास कंट्रोल है, मैं डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करने दूंगा। जब डिक्लेयर ही नहीं करने दूंगा तो ऐसे केस में मेरे को डिविडेंड कभी मिलेगा नहीं, मेरे को कभी डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसका मतलब मेरे ऊपर कभी टैक्स लगेगा ही नहीं, मेरे ऊपर कभी टैक्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स रिकॉर्ड वो परमानेंट डिफरेंस है एक तरीके से, तो यहां पर मैं डिटेल बनाऊंगा ही नहीं। इसी के विपरीत अगर मान लीजिए मेरी एसोसिएट कंपनी है जहां पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो सोचो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपनी एसोसिएट कंपनी में, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट अर्निंग है, मेरी जो एसोसिएट कंपनी है वो अच्छा खासा काम कर रही है, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, मेरा टैक्स बेस सेम है, मेरा कैरिंग अमाउंट बढ़ता जा रहा है। मैं बोल रहा हूं क्या ये डिफरेंस रिवर्स होगा आगे चल के? 100% होगा, क्योंकि आगे चल के वो जो कंपनी है अगर मान लो मुझे प्रॉफिट बांटती है, मुझे डिविडेंड बांटती है, तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल। क्या उसका डिविडेंड बांटना मेरे कंट्रोल में है? नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई कैन नॉट कंट्रोल। मैं ये नहीं बोल सकता कि तू डिविडेंड मत बांट, मेरा सिर्फ इन्फ्लुएंस है उसको, इसका मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल। इसका मतलब कल को अगर उसने मुझे डिविडेंड बांटा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, अगर मुझे डिविडेंड मिला तो ये जो मैंने इतना एसेट का वैल्यू बढ़ाया है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा वैल्यू बढ़ाया है, क्या सोच के बढ़ाया था? कि मुझे फायदा हो रहा है, तो ये फायदा मुझे सही में हो गया डिविडेंड जब मैंने रिसीव किया, और जब मैंने डिविडेंड रिसीव किया तो मुझे टैक्स भी लग गया, टैक्स लग गया तो मतलब ये डिफरेंस कहीं ना कहीं रिवर्सल है, तो डिफरेंस रिवर्सल है इसीलिए डीटीएल बनाएंगे। तो यहां बोल सकते हैं सिंस डिफरेंस इज नॉट रिवर्सिबल, यहां बोलेंगे डिफरेंस is reversible if we are going to receive dividend income from associate, so it will be टैक्सेबल। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे कुछ सोचेंगे कि सर इसको अलग तरीके से फिर से बताइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरी सब्सिडरी में, ठीक है ना, मतलब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, मतलब असेट दिख रहा है, उसकी कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपए, टैक्स बेस भी 1 लाख रुपए, एक साल खत्म हुआ, मेरी सब्सिडरी ने प्रॉफिट अर्न किया, मैंने उसको डिविडेंड बोला कि तू डिक्लेयर मत कर, किसी को डिविडेंड की जरूरत नहीं है, छोड़ दे, पर मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो मैंने बोला यार मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देता हूं, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू कर दिया 1 लाख से 120 रिवैल्यू कर दिया। क्यों किया? मैं जानता हूं ना मेरे इन्वेस्टमेंट की आज वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जो 20,000 का डिफरेंस है इसके ऊपर मैं डिटेल बनाऊं कि नहीं बनाऊं? द आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी अपने सब्सिडरी से डिविडेंड रिसीव ही नहीं करूंगा, रिसीव नहीं करूंगा तो ये 20,000 का डिफरेंस है ये कभी रिवर्स ही नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा तो कभी टैक्स नहीं लगेगा, कभी टैक्स नहीं लगेगा तो मैं डिटेल क्यों बनाऊं? इट इज द रीजन आई कैन कंट्रोल माय सब्सिडरी एंड हेंस आई कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ दिस 20,000। इफ आई एम एबल टू कंट्रोल दिस रिवर्सल ऑफ 20,000 आई कैन नॉट क्रिएट डिटेल, बट इन केस ऑफ एसोसिएट आई कैन नॉट कंट्रोल इट। मैं अगर अपने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू कर रहा हूं ये सोच के कि देखो मुझे तो इनकम होगी, मेरे तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है और आगे चल के मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स लग गया उस पर, मतलब वो डिफरेंस रिवर्स हो रहा है। तो कहने का मतलब हम जब बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट को हम रीवैल्यू करते हैं, जब तुम इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हो तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फेयर वैल्यू गेन है
कहीं ना कहीं तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गेन दिखा रहे हो, जबकि तुम्हारे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ये कोई गेन वेन नहीं है। ये गेन तब होगा जब तुम सच्ची मुच्ची इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, या फिर जब तुम्हें रिटर्न मिलेगा उस सब्सिडरी से, उस एसोसिएट से, जब तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, तब तुम्हारा गेन माना जाएगा, तब तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। तो सब्सिडरी के केस में अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो उस गेन को ना होने देने में, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता वो क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल है, तो तुम डिटेल नहीं बनाओगे क्योंकि वो एक परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा। जेवी के केस में डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना कंट्रोल है, यहां बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, अगर मैं जब चैट को इनेबल करूंगा, अगर तुम इससे मुझसे डाउट पूछोगे बोलोगे फिर से रिपीट करो, मैं कर दूंगा। लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन, रीअसेसमेंट ऑफ डीटीए। ये सिंपल है, आगे चल के बार 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 हर बैलेंस शीट डेट पे तुम्हें डीटीए को चेक करना है कि डीटीए रिवर्स तो नहीं करना, ज्यादा तो नहीं बन गया, कम तो नहीं बन गया, आपको डीटीए को बार बार रिव्यू करना है। डिस्क्लोजर ऑफ रिकंसिलेशन, आपको दो टाइप के रिकंसिलेशन बनाने हैं, आपको दो टाइप के रिकंसिलेशन बनाने हैं, एक तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का रिकंसिलेशन दिखाना है कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन के टाइम डिफरेंसेस हैं। तो आपको एक रिकंसिलेशन बनाना है, लाइक आपने दिखा दिया कि डेप्रिसिएशन उधर इतना था उधर इतना था, तो आपने डेप्रिसिएशन का डिफरेंस दिखा दिया, लाइक आपने दिखा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने दिखा दिया सेक्शन 43B, वो सब। और दूसरा दिखाना है रिकंसिलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट एंड एक्चुअल टैक्स रेट। एक्चुअल टैक्स रेट मतलब इनकम टैक्स का टैक्स रेट, मान लो 30%, और इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब होता है एक्चुअल करंट टैक्स डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम इनटू 100। टैक्स रेट एक्चुअली किस पे लगता है, टैक्सेबल इनकम पे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब जो तुम्हारा टैक्स निकला उसको तुमने अकाउंटिंग इनकम से डिवाइड किया तो तुम्हारा टैक्स रेट एक और निकलेगा, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव टैक्स रेट। तो दोनों टैक्स रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, तो उसका तुम्हें रिकंसिलेशन बनाना है। तो तुम्हें दो रिकंसिलेशन बनाने, एक तो इनकम्स का और एक टैक्स रेट्स का। लास्ट शॉर्टकट, हाउ टू क्रिएट डीटी डिटेल, मैंने बोल दिया बीआरएस टेक्निक। ये बीआरएस टेक्निक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये बीआरएस टेक्निक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। इसके अलावा और क्या है, तीसरा वाला पॉइंट पढ़ लो, मेरा पैन नहीं चल रहा, तीसरा वाला पॉइंट पढ़ लो। यहां पर लीजेस की बात चल रही है, लीजेस इंडियस 116 में, लीजेस में तुम्हारा डीटी रिटेल क्रिएट हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स में जो भी हम लीज रेंट पे करते हैं उसको उसका बेनिफिट मिलता है, जबकि इंडियस 116 के अकॉर्डिंग हमें राइट ऑफ असेट यूज, राइट ऑफ यूज असेट क्रिएट करना पड़ता है, लीज लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, फाइनेंस लीज चार्जेस निकालने पड़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसे केस में वो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, तो इंडियस 116 के अकॉर्डिंग लीजेस बने वो बनेगा। ठीक है, बाकी दो पॉइंट्स कुछ खास नहीं है। वो बोल रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर मान लो होल्डिंग कंपनी का खुद ही अगर डीटी अफेक्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे, मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अगेन के चक्कर में आपका होल्डिंग कंपनी का डीटी अफेक्ट कर रहा है तो आप उस डीटी को एड लेस कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये था आपका इंडियस 12 का रिविजन। मुझे बताइए ये रिविजन में आपको कुछ पूछना है क्या? Now I am turning on the chat for your doubts and for your feedback. Since this is the first class, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि सर स्पीड था, स्पीड नहीं था, क्या था और प्रॉपर था कि नहीं, पहले आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। जल्दी बताइए, आई एम डन विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। आप मुझसे पूछना चाहो अगर कोई डाउट तो पूछ सकते हो। एडवांस इनकम थ्रू बीआरएस मेथड प्लीज। एडवांस इनकम थ्रू बीआरएस मेथड, एडवांस इनकम मिला, आपने लाइबिलिटी रखा, मतलब आपका कैरिंग अमाउंट, पर आपके इनकम टैक्स में तो वो लाइबिलिटी है ही नहीं, आपके इनकम टैक्स में वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो जीरो, मतलब टैक्स बेस जीरो, तो देख लो। SBP स्पेशल केस, शेयर बेस पेमेंट, शेयर बेस पेमेंट में तुम हर साल इंप्लॉय एक्सपेंस बुक करते हो पीएनएल में, है ना, पर टैक्स बेस उसका
इनकम टैक्स में तुम्हें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। इनकम टैक्स में बेनिफिट कब मिलेगा? जब पूरे 3 साल का वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स में तुम्हारी ये जो ये इंप्लॉई एक्सपेंस है ये कहीं ना कहीं असेट बनती जाएगी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुमने उसको पीएनएल में डालते हुए तुम्हारी असेट जीरो है, तो तुम्हारा टैक्स बेस है, तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा डीटीए बनेगा। सुभांशु गुप्ता, थैंक यू सो मच सर। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी ट्रीट, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ट्रीटमेंट, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम, इंपेयर करोगे तो वही सेम हो जाएगा। इंपेयरमेंट करोगे तो क्या होगा? आपने सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट को इंपेयर कर दिया, पर टैक्स बेस तो वही का वही, आपने इंपेयर कर दिया तो आपका टेम्पररी डिफरेंस होगा, टेम्पररी डिफरेंस होगा तो यू हैव टू क्रिएट डीटी रिटेल। थैंक यू काजल, स्पीड ठीक थी। इट इज कंपलसरी टू सेट ऑफ डीटी रिटेल? इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो तुम चाहो तो सेट ऑफ करो, चाहो तो अलग अलग दिखाओ, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। स्मार्ट एजु स्मार्ट बिल्कुल सही बात है प्रतीक, ऐसे ही करेंगे अपन। थैंक यू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस थ्रू बीआरएस मेथड एंड ट्रीटमेंट। बेटा अगर आप हर चीज का बीआरएस से पूछोगे इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्पून फिटिंग करवा रहे हो। अपना खुद का बीआरएस करके देखो ना, प्रिलिमिनरी का बीआरएस एक्सपेंडिचर, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया 100 रुपए का, एंट्री की प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी, आपने पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी को पीएनएल में डाल दिया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एसेट नहीं है प्रिलिमिनरी के रिस्पेक्ट में, मतलब कैरिंग अमाउंट जीरो। इनकम टैक्स वाले ने बोला नहीं मैं इसको बेनिफिट तेरे को थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, तो मैंने बोला बता कितना देगा, उसने बोला करंट ईयर में वो 20 रुपए का बेनिफिट दूंगा, बाकी 80 रुपए तू असेट मान ले फिलहाल, अगले साल ले लेना। तो मेरा टैक्स बेस 80 रुपए, कैरिंग अमाउंट जीरो, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स बेस तक ले जाना पड़ेगा डीटीए। मैट पॉइंट, मैट और एएमटी पॉइंट, मैट और एएमटी पॉइंट में सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट। मैट का जो रेट होता है उस रेट को कभी भी अप्लाई नहीं करना तुम्हें डीटी रिटेल बनाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। मैट का पॉइंट का ध्यान से समझिएगा, डीटी डीटीए पर कोई भी असर नहीं पड़ता मैट एएमटी के रिस्पेक्ट में। जो भी मैट का रेट है यू कैन नॉट यूज मैट रेट कभी भी फॉर क्रिएटिंग डीटीए डीटीएल, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वी ऑलवेज अप्लाई बैलेंस शीट अप्रोच, एंड एज पर बैलेंस शीट अप्रोच यू हैव टू टेक कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लाइबिलिटी एंड टैक्स बेस ऑफ असेट लाइबिलिटी। मैट के जो प्रोविजंस हैं, मैट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई टैक्स बेस होता ही नहीं, क्योंकि मैट के प्रोविजंस में सिर्फ हम अपने प्रॉफिट को चेंज करते हैं, बुक प्रॉफिट को चेंज करते हैं। सो टेक्निकली मैट विल नॉट एट ऑल अफेक्ट योर डीटीए डीटीएल। हाँ, लास्ट पॉइंट, पर अगर मान लो मैट के अकॉर्डिंग तुम्हारी करंट ईयर की लाइबिलिटी आती है, सपोज तुम्हारा मैट का अमाउंट है 4 लाख रुपए और तुम्हारा रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा टैक्स का अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए, तो तुम्हें ऑब्वियसली 4 लाख का टैक्स प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस तुम 4 लाख रुपए का करंट टैक्स लायबिलिटी बनाओगे और 3 लाख रुपए तुम जानते हो कि आगे चल के तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, तो 3 लाख रुपए से तुम मैट क्रेडिट रिसीवेबल बनाओगे, वो मैट क्रेडिट रिसीवेबल तुम्हारी करंट टैक्स असेट मानी जाएगी। तो कहने का मतलब करंट टैक्स असेट का एक और एग्जाम्पल मैट क्रेडिट रिसीवेबल, सिंपल, दिस इज अ मैट प्रोविजन। सर मैंने आपसे क्लासेस नहीं ली, मैं बस बिजनेस कमीशन का लेक्चर आपके देखा तब से आपका फैन हो गया, वे टू सम रिवीजन मैं मान नहीं लिया, तो क्या मैं जूनियर से आपका ही? थैंक यू सो मच उमंग मेहता, सुपर एवरजन रिवीजन सर, थैंक यू, रिसीव माय चार्ट बुक टुडे, वेरी गुड प्रियांशु। टैक्स हॉलीडे एग्जाम्पल सर, टैक्स हॉलीडे का एग्जाम्पल सेक्शन 80IA के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी टैक्स का, आपकी जितनी भी इनकम होती है वो 100% डिडक्शन है। मान लो अब आपने इनकम अर्न किया 1 लाख रुपए का पूरा डिडक्शन मिल गया 1 लाख, ऐसा आपको 4 साल तक होगा। अब मान लीजिए करंट ईयर में आपको डेप्रिसिएशन का कुछ डिफरेंस आ रहा है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसकी वजह से टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस अगले साल रिवर्स होगा, पर आप उस डिफरेंस के ऊपर कोई भी डीटी रिटेल नहीं बनाओगे क्योंकि अगला साल भी आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड है, ना आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि वैसे ही आप बेनिफिट में हो, ना आपके ऊपर टैक्स लग सकता है क्योंकि आप बेनिफिट में हो। सर कैन यू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक एट द एंड ऑफ सेशन फॉर प्रैक्टिस? बेटा संजय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो, क्वेश्चन बैंक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तमिलनाडु से लव यू, थैंक यू सो मच बेटा।
इफ देयर इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ लैंड ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन इंटेंशन इज नॉट फॉर सेल देन देयर विल बी क्रिएट देन वी विल क्रिएट डीटी रिटेल वी कैन नॉट क्रिएट इन दैट केस वी कैन नॉट क्रिएट डीटेल जरूरी नहीं है परमानेंट डिफरेंस एग्जाम्पल परमानेंट डिफरेंस का एग्जाम्पल है आपका साइंटिफिक रिसर्च में जो आपको 125% का डिडक्शन मिलता है इफ आई रिमेंबर 125% का जो जब आपको डिडक्शन मिलता है तो आपको जो एक्स्ट्रा 25% का डिडक्शन मिलता है उसका कोई कैरिंग अमाउंट नहीं होता और कभी भी नहीं हो सकता और डोनेशन टू रिलीजियस ट्रस्ट थैंक यू शुभम थैंक यू सो मच गाइस लास्ट चीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि सारे के सारे लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में आने वाले हैं और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ही सारी चीजें अपडेट करता हूं तो प्लीज उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा You said business combination goodwill shall not be recognized for DTL, but you said one entry as goodwill account debit to DTL account. Please explain. Beta, in case of business combination, in case of other assets and liabilities other than goodwill, if you are recording the assets and liabilities at fair value, such fair value will be different from the tax base. In that case, you have to create DTA DTL. And how the DTA DTL will be created? The difference will be ultimately transferred to goodwill capital reserve. परेश थैंक यू सो मच इंडियस 116 का पॉइंट इंडियस 116 का पॉइंट आपको हो सकता है शायद नहीं समझ में आ रहा हो क्योंकि आपने इंडियस 116 का पॉइंट इंडियस 116 अगर नहीं पढ़ा होगा तो ही ना इंडियस 116 में क्या होता है जब भी हम लीज रेंट पे करते हैं लेसी तो लेसी उसको आरओयू असेट दिखाता है लीज रेंट को असेट दिखा देता है जबकि इनकम टैक्स बोलता है कि आप उसको एक्सपेंस मानोगे तो कहीं ना कहीं आपका इससे टेम्पररी डिफरेंस अराइज होगा ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडेस 116 में सिंपल है 116 का मतलब सिंपल है टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि इनकम टैक्स में आपको पूरा का पूरा रेंट अलाउ हो जाता है मतलब इनकम टैक्स में टैक्स बेस जीरो हो जाता है जबकि एज पर इंडेस 116 द कैरिंग अमाउंट विल बी समथिंग तो ऐसे केस में डिफरेंस हो जाएगा चलो दैट्स इट आप मुझे बस इतना बता दो या तो टेलीग्राम पे भी बता देना मैं पोल कर दूंगा कि टाइमिंग सुबह का रखें कि शाम का रखें अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह का रख लें 8 से 10 बजे तक या फिर शाम का रखें वॉट एवर आप मुझे थोड़ा सा ये रिकमेंड कर दीजिएगा कोशिश करके हम सेम टाइम रख लेंगे प्लीज एक्सप्लेन मैट अगेन यार हर चीज की हद होती है ना आप बार बार वही मैट के जितने भी मैट का रेट होगा उस रेट को आप इग्नोर करोगे टू कैलकुलेट डीटी रिटेल मैट की जो भी बुक प्रॉफिट होगी यू कैन नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग डीटी रिटेल फॉर कैलकुलेटिंग डीटी रिटेल कंसीडर नॉर्मल टैक्स रेट कंसीडर टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट डू नॉट कंसीडर बुक प्रॉफिट ऑफ मैट जस्ट जब आप मैट क्रेडिट लेते हो तो आप जो एक्सेस पे करते हो मैट में जब आप एक्सेस पे करते हो रेगुलर टैक्स से तो आपका मैट क्रेडिट बन जाता है और वो मैट क्रेडिट रिसीवेबल आपका करंट टैक्स असेट हो जाता है विशाल सर का टाइम कौन सा है विशाल सर का कोई टाइम फिक्स है क्या डिंपल ऐसे केस में डीटी रिटेल जो बनेगा आपका इंडेक्सेशन के केस में मान लो इंडेक्सेशन बेनिफिट करते करते आपका लैंड 1 लाख रुपए का था पर उसकी इंडेक्स वैल्यू है 1,20,000 तो जो 20,000 का डिफरेंस आएगा उस पे उसके ऊपर आपका डीटीए बनेगा अंकित कुमार यस इट इज सफिशिएंट अगर आपके पास पुराना प्रीवियस एडिशन भी है चार्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है
चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपके डाउट्स अब नहीं है, अब आपके डाउट्स नहीं है कुछ ज़्यादा। सो अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सो मच। शेड्यूल आपके पास है, टॉपिक्स आपके पास है, हो सके तो इसको ज़रूर शेयर कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह।